एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा, हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर नित्याय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी टू द बॉडी फ्री एज ए सो बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरी नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। तो आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। स्पेशली स्वागत जो है वो निखिल भैया का है। एक बार फिर से निखिल भैया, जो गोलक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं, वो हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं, और तहे दिल से आपका स्वागत है भैया। और इस आध्यात्मिकता के रास्ते पर आप हमें जिस जोश के साथ जो है वो लेकर जा रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि आपका नमन, कोटि कोटि मोहिनी माँ जी का नमन, उनको भी कोटि कोटि नमन। जो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था भैया कि इस तरह से जो है वो हम लाइफ का आनंद भी उठा पाएंगे। तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका, मैं तो बस शब्द नहीं है। बस हम आपके साथ जुड़े रहें और भगवान के रास्ते पर जो है वो आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। सो एक बार फिर से गीता जी को, रितेश जी को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरल भगवद गीता के कोर्स का कंप्लीट हुआ, पिछली बार भी आपको सुना था, बहुत आनंद आया था। हमारा प्रयास रहता है यहाँ भक्तों को मौका दिया जाए, उनके भाव सुने जाएं। भक्तों के भाव सुनने से हमें भी बड़ा आनंद आता है, एक दूसरे को सुनते रहने से, जब हम डिवोशनल एक्सपीरियंस सुनते हैं एक दूसरे के, तो कैसे हमारा और विश्वास भगवान के रास्ते में बढ़ता है। और हमने ये भी पाया है कि बहुत सारे भक्तों का कॉन्फिडेंस भी ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स बहुत बढ़ गया है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम भक्त डरे रहेंगे तो कैसे प्रचार करेंगे, भक्त जोश में होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो भगवान की बातों का बड़े सरलता से प्रचार भी करेंगे। एक बार आपको फिर से शुभकामनाएं, इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। गीता जी, आप किसको मौका देना चाहेंगे सबसे पहले? हरी रिपोर्ट। हरी हरी बोल भैया। मैं स्वाति जी को जो है वो मौका देना चाहूंगी। स्वाति जी के अंदर भी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हुई है। स्वाति जी प्लीज आप अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। मैं स्वाति वर्मा, नूरपुर हिमाचल प्रदेश से। मैं 23 फरवरी 2022 में गोलोक सोनिया जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। मैं सोनिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे गोलोक सत्संग से जुड़ाया, जिसमें हमें भगवद गीता का अध्ययन कराया जाता है। साथ ही साथ मैं अपने गुरुजनों गीता जी, नताशा जी और रितेश भैया को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साथ ही निखिल भैया जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लगाया कि हम घर बैठे ही भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं। और आपके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे सत्संग की सूरत हो आप। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है,
आप आए, रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे सत्संग में पधारे हैं, जो आप हमारे सत्संग में पधारे हैं। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार, आती रहे खुशियों की बहार, रखकर मंजिलों की ओर कदम, रखकर मंजिलों की ओर कदम, निखिल भैया जी का करें तालियों से वेलकम। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज सत्संग पर वे मेहमान, पधारे हैं आज सत्संग पर वे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम, करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई। निखिल बिहार जी, मैं आपके लिए बस यही कहना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए लगाया है, जिससे हम घर बैठे ही भागवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम जो भागवत गीता में जो हमें सिखाया जाता है गीता जी और नताशा जी के माध्यम से, वो छोटी छोटी बातें हमारे जीने का नजरिया बदल दिया। पहले हम हमें कहीं जा सत्संग में जाना होता था तो हमें सोचना पड़ता था कि हम कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, घर में घर के बारे में, बच्चों के बारे में सोचना पड़ता था। लेकिन जब से हमने भगवद गीता का घर में बैठ के अध्ययन किया तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम घर का काम करते करते साथ में भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं श्री हरि पे का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि श्री हरि जी की कृपा से ही हम इस गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से जुड़े हैं। इसमें हमें किस तरह आरती की आरती होती है, आरती की एक एक लाइन का मतलब हमें पता चला कि जो हम आरती गाते थे लेकिन हमें उसका एक लाइन का मतलब नहीं पता था, लेकिन हमें आरती के बारे में पता चला, भोग लगाने के बारे में पता चला। भोग तो हम लगाते थे लेकिन हमें इसका मतलब ऐसे था कि हमें बस कोई भी चीज आई श्री हरि जी को समर्पित करते थे, लेकिन हमें उसके जब हमें ये पता चला कि हमें हर चीज का भोग लगाना चाहिए। जो भोग लगाकर जो हम खाना ग्रहण करते हैं वो एक अमृत के समान हो जाता है, और जो हम बिना भोग लगाए भोजन करते हैं वो एक पाप के समान होता है। कि हमें पहले लगता था कि हम पाप को ग्रहण करते हैं, लेकिन जब से हम भोग लगाकर खाना खाने लगे हैं तब से हमें अच्छे विचार, हमारी बुद्धि में श्री हरि जी की ऐसी कृपा है कि हमारे मन हमारे विचार बिल्कुल शुद्ध होने लगे धीरे धीरे। जैसे गीता जी और नताशा जी बोलते हैं कि हमें दौड़ना चाहिए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलना चाहिए, चलना चाहिए, अगर हम चल नहीं सकते तो कम से कम रेंगना चाहिए। तो बस निखिल भैया जी, हम बस रेंगने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसी तरह हम बोलते हैं कि हमारे गुरुजन हमें सिखाते रहे और हम इसी तरह इस मार्ग पर चलते रहे। मेरे साथ एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुआ था। अभी जब हमने ये सत्संग शुरू किया था तो एक दिन मैं रात को भजन पढ़ रही थी तो मेरे को भजन इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि जब मुझे भजन की सेवा मिले तो ये मैं भजन गाऊंगी। मैं अपने मन में ही विचार कर रही थी कि अचानक सुबह जब मैंने देखा तो नताशा जी ने लिंक नताशा जी ने डाला कि आज आपकी भजन सेवा है। तो मैं इतनी खुश हुई कि देखो श्री हरि ने मेरे मन के भाव को एकदम से कैसे पढ़ लिया। मैं तो सोच रही थी कि मैं भजन गाना है और मेरा नाम एकदम से भजन सेवा में आ गया, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती आपको। फिर हमें जो कार्तिक महात्म के बारे में पता चला, कार्तिक महात्म में इस बार मैंने एक संकल्प भी लिया, श्री हरि जी की कृपा से मेरा वो संकल्प पूरा हुआ। मैंने भी कार्तिक महीने में मंदिर जाना, सुबह सुबह स्नान करना जाना शुरू करा। वैसे तो मैं मंदिर पहले भी जाती थी लेकिन मैंने इस बार सोचा मैं पूरा कार्तिक महीना मंदिर जाऊंगी। मैंने जाना शुरू करा, कुछ दिन तो मैं गई लेकिन मेरे को शारीरिक कष्ट होने की वजह से मैं मंदिर नहीं जा सकी। तो मैं मन में बड़ी दुखी हुई कि भगवान, मैंने इतना सोचा था लेकिन मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। फिर लेकिन जब मैंने अपनी बात सत्संग में रखी तो गीता जी ने मुझे इतने अच्छे ढंग से समझाया कि जो भी मेरे मन में जो भी ऐसे दुख था वो एकदम से निकल गया। और गीता जी के माध्यम से हमें एक इतना वो इतने अच्छे उदाहरण देकर हमें समझाते हैं ना कि हमारा सारी यानी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एकदम से दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। हमें इतना समझते हैं कि जो भी दुख तकलीफ है हम अपने सत्संग में बोलते हैं तो वो सारी दुख तकलीफ हमारी दूर हो जाती है। साथ ही साथ श्री हरि जी की भी कृपा है कि वो हमारे साथ साथ हमें हम वो बोलते हैं कि आप एक कदम चलो
मैं 10 कदम आपके साथ चलूंगा, तो बस हम यही बोलते हैं श्री हरि जी आप हमारे, बस हमें इस तरह ही हमारे मार्ग में चलते रहना, हमें बस हर दुख तकलीफों से दूर करते रहना। और इसमें हमें यही बताया कि हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। अगर हम कोई भी काम बिना फल की इच्छा से करेंगे तो श्री हरि जी उसे जरूर सुनेंगे। बोलते हैं कि अगर आप कर्म कर रहे हो साथ में आप फल की इच्छा रख रहे हो तो वो एक निष्काम हो जाता है। इसलिए हमें बिना कर फल की इच्छा से कर्म करते रहना चाहिए और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें हमें ABCD मॉडल के बारे में पता चला। ABCD मॉडल में हमें ये पता चला कि हमें सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ABCD मॉडल से हमें सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है कि हमें बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो हमें हमें ये लगेगा कि जहाँ पर निंदा चुगली बुरा होती है उस जगह से हमें दूर हट जाना चाहिए। हमें अगर हम वहां पर जाएंगे तो वैसे ही विचार हमारे मन में आएंगे। इसलिए हमें अच्छी संगत, जैसे हमें बोलते ना कि अगर कि जैसे 4S के बारे में भी हमें पता चला, जैसे सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। सत्संग का मतलब होता है अच्छी संगत, यानी अगर हम कहीं जा रहे हैं और अगर हम मंदिर में भी जा रहे हैं वहां पर अगर निंदा चुगली चल रही है तो वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप घर में बैठकर अगर किसी से फोन पे भी बात कर रहे हो तो वो आपको अच्छे विचार दे रहा है, तो वही आपकी एक अच्छी संगत हो गई है। साधना का मतलब होता है कि भोग लगाना, माला जाप, बस आप अपनी साधना पर हमें फोकस करना, हमें नित्य निरंतर माला जाप करते रहना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो हमें माला जाप को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और सेवा, हमें निस्वार्थ भाव से हर किसी की सेवा करनी चाहिए। अगर हम किसी की सेवा करते हैं और हम ये बोलते हैं कि मैंने उसकी सेवा करी, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर बोलते हैं कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो वो मदद इस तरह करो कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किसी की मदद करी है। अगर आप किसी की मदद करते हो और बार बार बोलते हो कि मैंने उसकी मदद करी है, मैंने उसकी मदद करते हो, उसका फल श्री हरि जी कभी नहीं देते। इसलिए हमें निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए और सदाचार, हमें अपने मन के अंदर अच्छे विचार पैदा करने चाहिए। अगर हम अपने मन में अच्छे विचार पैदा करेंगे तभी हम इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। अगर आप, हमें ये भी पता चला, अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता है तो आपको उस पर बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपने बस अपना हरिनाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। अगर आप उसमें ही लगे रहोगे तो आपको ये सब चीजें ऐसे लगेंगी ये सब जीन की बेकार है, हम क्यों इसमें माया जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें अपने निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। अब कार्तिक महात्मा में हमारे घर प्रभात फेरी भी हुई, मेरी बेटी 8 साल की है, तो उसने भी हमारे, यानी मेरे बोलते हैं ना कि श्री हरि जी ने ऐसी कृपा करते हैं ना कि हमें पता नहीं लगने देते। जब क्या नाम से हमारे घर प्रभात फेरी हुई तो हम इतने उत्साहित थे कि हमें इतनी बिल्कुल उत्साह के साथ प्रभात फेरी का आयोजन किया। रात को हमने पूरी तैयारी करी, मेरी छोटी बेटी ने भी मिलकर हमारा साथ दिया। सुबह हम उठे तो उसने भी 3:30 बजे उठकर स्नान किया, पूरी प्रभात फेरी देखी। उसके साथ हम वहां, हमारे यहाँ पे बित्रा स्वामी जी का मंदिर है, हम सुबह वहां पर गए। यानी उस दिन की खुशी का मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। उस दिन हमने इतना मजा किया, इतना आनंद आया, ऐसा लग रहा था कि बस इस तरह ही रोज इस तरह होता रहे और हम रोज श्री हरि का नाम इस तरह लेते रहे। यानी उस खुशी का एक हम वर्णन नहीं कर सकते। तो और एक बार जब हमारे घर लड्डू गोपाल जी जनवरी में आए थे तो मैं, निखिल भैया जी, अचानक ही हम कब से सोचते थे कि हमें वृंदावन जाना है, अचानक ही हमारे वृंदावन जाने का ट्रिप आ गया। और सोनिया जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने फोन किया कि आपने वृंदावन जाना है। तो मैंने सोचा, हमने, मैं और पूजा वर्मा जी, हम एक ही फैमिली से हैं, तो हमने सोचा कि हम कैसे जाएंगे, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे जाएंगे। लेकिन श्री हरि जी ने ऐसी टोरी खींची ना कि हमें पता ही नहीं चला कि हम किस तरह वृंदावन चले गए। बच्चों ने भी कहा, मम्मी चले जाओ, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम वहां पे गए तो उसका, यहाँ पे हमने वृंदावन जाके इतना आनंद महसूस किया ना, श्री हरि जी की ऐसी कृपा हुई हम पर कि हम बरसाना गए, नंदगांव गए, गोकुल गए, हम इतनी जगह गए ना कि बस हमारे चेहरे पर मुस्कान ही थी, अनमुख मुस्कान हमारे चेहरे पर आती रही और हम इतने खुश हुए ना कि उस एक पल, यानी हर एक पल का ना अभी भी हम जब देखते ना तो हम ऐसे लगते हैं कि हम वृंदावन पहुंच गए हैं। हम जब वहां की तस्वीरें देखते हैं तो ऐसी ऐसा आनंद सा महसूस होता है कि पता नहीं अब श्री हरि जी हमें कब बुलाएंगे।
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जो भागवत जो गोलक एक्सप्रेस है जिसके साथ हम जुड़े हैं, इससे हमारे जीवन जीने का नजरिया बदल गया। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हमने जो जिंदगी में जोड़ा है यही हरि नाम जोड़ा है, और अंत समय में यही दौलत हमारे साथ जाएगी। मैं तो बोलती हूँ बस श्री हरि जी हम पर ऐसी कृपा करते रहें कि हम बस इसी मार्ग पर निष्काम भाव से चलते रहें और दिन प्रतिदिन आगे आगे बढ़ते जाएं। हे मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, हे कृपा जिनकी मेरे ऊपर, मेरा जीवन उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया हरे, हरि नाम उन्हीं का नाम है। तो मैं तो बस यही बोलती हूँ कि जो प्रभु हमारे पर बस अपनी कृपा दृष्टि इस तरह ही बनाए रखना कि बस हमारी जिंदगी में हम कभी भी अगर हम इस मार्ग से थोड़े से भटके तो गीता जी नताशा जी हमें बांह पकड़ कर इस मार्ग पे दोबारा लेके आ जाएं। तो बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना ही किसी युक्ति पे मेरा तो जीवन आश्रित है, केवल और केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। हर घर मंदिर, मन मन मंदिर, बस इसी पर हम चलते रहें और साथ में हरि नाम संकीर्तन करते हैं। निखिल बिहारी जी आपको फिर से कोटि 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 प्रणाम। थैंक यू सो मच स्वाति जी, बहुत प्यारे भाव हैं, बहुत मैसिव ट्रांसमिशन हो गई आपके अंदर, बहुत प्यारे प्यारे भाव आपने शेयर किए, धाम यात्रा भी हो गई, लड्डू गोपाल भी आपके घर में आ गए, लाइफ को जीने जीने की जो कला है आप भगवद गीता से सीख पा रहे हो, ऐसे ही आप चलते रहिए। सोनी जी का भी थैंक यू, उन्होंने आपको मोटिवेट किया और आप भी बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनेगी, बस चलते रहिएगा, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी, हरी हरी कांग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल। तो चलिए अब हम इसके बाद जो है वो मधु जी की तरफ चलेंगे। हरी हरी बोल मधु जी। हरी बोल मधु जी, हरी बोल, हरी बोल, हरी हरी बोल शुभकामनाएं। जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अवगदा श्री वासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम मधु है, मैं पलवल में रहने वाली हूँ। मुझे अनीशा भाभी ने इस सत्संग से मिलाया है, और ये सत्संग तो बस ये है कि मैं इसे सुनते ही बस हमें भैया जी, मैं आपका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे सभी परिवारों की तरफ से आपको हाथ जोड़ के नमस्कार है, क्योंकि ये जो सत्संग है मैं अपने परिवार में भी अपनी बहनों को भी सुनाती हूँ, तो वो भी सच में ये कहते हैं मधु बहुत ही अच्छा सत्संग है, ये बहुत ही अच्छा सत्संग है। तो मैं भैया जी ये कहना चाहती हूँ कि इससे हमें इतना अच्छा मतलब भाव मिलता है इस सत्संग को सुनने से। बस मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे जो हमारा जीवन है ना, मेरा तो अब स्टार्ट हुआ है। मैं कहती हूँ मेरा बचपन अब स्टार्ट हुआ है और मैं अब जीना सीखना सीखी हूँ। पहले तो मेरा जीवन पता नहीं बेकार ही गया है। मैं कहती हूँ ये सत्संग सबको मिले भैया जी, सबको मिले। तो भैया जी ये कार्तिक मास का जैसे आपने बताया, कार्तिक मास में मैं हम करते तो जरूर थे, मंदिर में जाते थे, लेकिन जैसे आपने बताया दीप दान करना है, मैं दीप दान भी हमने किया। और कार्तिक मास में आपने कहा था कि कुछ प्रण भी करने हैं, तो भैया जी ये मैंने प्रण ये करा था कि मैं महीने में मैंने मतलब ये भाव हमें सत्संग के बाद ही आया है कि मैं ना तुलसी मैया के आगे एक महीने में, एक महीना जो हमारा होता है कार्तिक मास का, तो मैं तुलसी मैया के आगे ही मैं अपना माला जाप करूं। तो ये मैंने प्रण कर रखा था, और सच में भैया जी मेरा ये प्रण भी पूरा हुआ कि मैं तुलसी मैया के आगे एक महीना बैठ के मैंने हरे कृष्णा का नाम जाप किया, और जो मुझे खुशी मिली, मेरे घर खुशियां आई, मैं आपको नहीं बता सकती भैया जी। बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे। भगवान कहते हैं मेरा नाम लेके तो देखो, देखो मैं तुम्हारे कितनी खुशियां देता हूँ। तो मुझे इस सत्संग से बहुत ही ज्यादा खुशियां मिली। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपने जैसे भोग का बताते हो आप कि भोग लगाना चाहिए, हमें भोग के बारे में भी बस ये था कि हम भोग लगाते थे, जैसे वार त्योहार हुआ अपना लगा दिया, कि भोग के बारे में ये भी बताया कि पूरी जैसे हम लोग खाते हैं ना अपने प्लेट में डाल के पूरा हरि जी को ऐसा ही भोग लगता है। तो अब हम ऐसे ही भोग लगाते हैं, पूरा थाली में रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, पानी भी रखते हैं और घंटी भी बजाते हैं। हमें घंटी का भी महत्व नहीं पता चलता था इसमें, हमें घंटी का भी अब महत्व पता चला है कि हम जब भोग लगाते हैं तो घंटी भी बजाते हैं। भैया जी ये छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत ही खुशियां दे रहा है हमारे को, हमें इस चीज का कुछ भी नहीं पता था।
और भैया जी कार्तिक मास में ना जैसे मैं मंदिर में जाती थी ना तो मेरा बहुत दिल करता था कि मैं भी जैसे फेरी लगती है ना तो फेरी में जाऊं। बस मंदिर में ना पाठ करने बैठ जाती थी, जाप करने बैठ जाती थी, तो पता क्या बस ये है कि जब जाते थे ना फेरी फेरी पे जाते थे तो मैंने यही सोचा था कि भगवान जी मेरा भी बहुत मन करता है। तो वो जो प्रभात फेरी वाले थे मंदिर के आगे रुके, तो जैसे ही वो रुके तो मैं उनके साथ चल पड़ी। तो भैया जी उन्होंने क्या किया, ढोलक मेरे गले में डाल दी, ढोलक गले में डाल के मुझे कह रहे हैं मधु जी आप बजाओ। मैं पूरी अपना मतलब पूरी फेरी में ढोलक बजाई और हरे कृष्णा का नाम जाप किया। मतलब इतना आनंद आया, इतना आनंद आया भगवान जी। मैं कहती हूँ कि देखो हम थोड़ा सा मांगते हैं प्रभु जी से, प्रभु जी हमें कितना सारा अपना नाम दान दे देते हैं। हम सिर्फ थोड़ा सा भी करते हैं उसमें भी बहुत प्रभु जी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें कितना अपना नाम दे रहा हूँ। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी हमारे घर खुद आके हमें अपना अपनी शरण में ले रहे हैं भैया जी। और बस मैं ये भी है कि बताया ना कि भगवान की कृपा होने पर ही इंसान खुश रहता है, तो मेरे ऊपर तो सच में कृपा ही, समझ लो कि मेरे पर कृपा ही हो रही है और बहुत खुशियां भी मिल रही है। पहले हमारा थोड़ा सा जो कंडीशन थी थोड़ी ऐसी थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, फिर भी मैं अगर हमारे पास सब कुछ भी होता था ना तब भी मैं दुखी रहती थी। अब मैं कहती प्रभु जी मेरे पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन बस ये नाम दे देना मुझे, बस अब मैं इसमें ही खुश हूँ। पहले हमारा इतना होने के बाद भी मैं खुश नहीं रहती थी, मन ऐसे रहता था, लेकिन प्रभु जी ये नाम दान दे दो बस मेरे को इसी में ही खुशी मिलती है कि मुझे नाम दान चाहिए बस मेरे को, और कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि बार बार यही कहते हैं कि ये नाम दान जो है ना यही साथ जाएगा, और हमें तो सिर्फ हम तो ये सोचते थे कि हम कि बस ये दुनियादारी है जो है, लेकिन नहीं, ये सत्संग से ही पता चला है कि नाम दान में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, जितना करेंगे हम उतना ही हमें फल मिलता है। और भैया जी दामोदर अष्टमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी, कि दामोदर अष्टमी का नाम ही मैंने पहली बार सुना था इस सत्संग में। तो इसका भी मेरे को ये था कि भगवान जी ये दामोदर अष्टमी का भी मेरे को नहीं पता था कुछ भी। तो जैसे सत्संग में बताया कि दामोदर अष्टमी का, तो मैं कहती थी नताशा जी से, दीदी ये क्या मतलब दामोदर अष्टमी का, तो उन्होंने मुझे बताया तो सुन के बहुत ही खुशी मिली और मैंने कहा ये पाठ भी मैं पढ़ूंगी, एक दिन मेरी भी बारी आई। और जब वो पाठ मैंने पढ़ा, एक एक चीज कान्हा जी के बारे में इतना अच्छा अच्छा लिखा हुआ था, बहुत ही प्यारा प्यारा लिखा हुआ था। और नाम जाप की मैं बात बताऊं भैया जी, ये नाम जाप का माला का मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं वृंदावन तो बहुत बार होके आई हूँ क्योंकि पास में ही है हमारे, तो इतनी बार होने के बाद भी ना मुझे, मैं देखती थी ना जैसे झोली में माला सब करते हैं, तो मैं कहती थी भगवान जी पता नहीं ये क्या बोलते रहते हैं झोली लेके। तो मेरा मतलब मेरा वो मेरा ना ये भी नहीं होता था कि मैं पूछूं इनसे आप लोग क्या करते हो। तो कान्हा जी ने घर बैठे बैठे ही मेरे को नाम जाप माला भी दे दी है, और मुझे करनी नहीं आती थी, अब मुझे करनी भी आ गई है। और करने के बाद मैं औरों को भी बताती हूँ कि ऐसे करते हैं, और जो नाम नाम में माला में जो है आनंद, वो टेलीग्राम भी मैं करती हूँ, लेकिन जो आनंद मेरे को माला में आता है ना भैया जी, मेरे को टेलीग्राम में नहीं आता। मैं सच बताऊं आपको, मुझे इसमें तो बहुत ही आनंद आता है। मैं एक एक माला करती हूँ तो मुझे एक एक माला करने में भी मुझे इतना आनंद आता है कि मेरे को भगवान जी के नाम नजर आते हैं एक एक माला में भी, बहुत आनंद आता है। अगर मैं माला को छोड़ना भी चाहती हूँ ना, वो मुझे छोड़ती नहीं है। मैं अगर रख दूं, मेरा मन करता है मैं बार बार करूं माला। तो कहते हैं ना प्रभु हमें नहीं छोड़ना चाहते लेकिन हम प्रभु को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये सत्संग ऐसा है कि प्रभु कहते हैं बस मेरा नाम लेते रहो, देखो मैं तुम्हें कहाँ कहाँ, जो तुम्हें दुख भी होगा ना जो, वो मैं सुई की तरह कर दूंगा, जो हमारा तलवार की तरह दुख होगा ना वो हमारा सुई की तरह कट रहा है। और भैया जी कट भी रहा है, मैं सच बताऊं आपको कट भी रहा है, बहुत दुख आने के बाद भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे को 3-4 महीने से मेरी मतलब कमर में भी बहुत दर्द होता था ना, तो इतना दर्द होता डॉक्टर ने दवाइयां तक लिख दी थी, दोबारा बुलाया, लेकिन मुझे भैया जी पता नहीं चला कि वो मेरा कमर दर्द कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो घर के बंदे कहते चल दोबारा तो बुलाया था डॉक्टर ने, लेकिन मैंने कहा मेरा कमर दर्द मुझे पता भी नहीं चला मेरे को, अब हो भी रहा है कि नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो भैया जी ये किसकी कृपा है, ये हरि नाम की तो कृपा है। बस मैं यही है कि मेरे अंदर इतना प्रभु का नाम, अब बस पहले लेते जरूर थे लेकिन अब तो ये दिल करता है कि माला तो बिल्कुल छोड़े ही ना। भैया जी आप सच में बता रही हूँ कि आप ऐसे घर के हो जो मतलब ऐसी माँ को बार बार मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ जो आपको जन्म दिया है। तो हम भी ये कहते हैं कि हमारे बच्चे भी बस आपकी तरह बने। मैं सही बताऊं भैया जी, मैं वही मधु हूँ जो पहले मैं आपको बताती थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं सबसे पढ़ी लिखी हूँ कि जो मुझे प्रभु जी का नाम मिल गया ना, क्योंकि पढ़े लिखे भी हो या अनपढ़ हो तो वो क्या है, लास्ट में जाना तो हमने प्रभु जी के घर में ही है ना, तो क्यों ना अनपढ़ होके ही जाए, जो हमें भगवान जी की बातें समझ आती है हम वही साथ लेके जाए।
भैया जी बस मैं ये भी बताती हूँ कि भक्ति क्या है। जब हम प्रत्येक कर्तव्य हमारी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ना करते हुए बल्कि उत्साह से प्रभु की खुशी के लिए करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन भक्ति बन जाता है। बस ये है कि हम ये जो थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं तो बस इसी तरह हमारी भक्ति बन जाए, हम जो भी काम करते हैं ना प्रभु का खुशी में ही करें। भैया जी मैं और भी ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने ये भी बताया था ना, मुझे इस चीज का भी नहीं पता, जो हम नाम जाप माला करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपने ये भी बताया कि हरे हरे का मतलब क्या होता है, हरे का मतलब होता है राधा रानी। और भैया जी आपने ये भी बताया कि राधा रानी कृष्ण और राम हरि के दो नाम हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था। भैया जी देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं, क्या हैं दो, ये नाम ही तो है। और वो हम कहते हैं ना अगर बड़ों को कोई बात कहनी हो तो हम बड़ों को कहते हैं, तो ऐसे ही हम राधा रानी को क्या कहते हैं, राधा रानी जी ये कृष्ण और राम की भक्ति हमें मिले, हमें इन चीजों का कुछ भी नहीं पता था। हमें छोटी छोटी चीजें भी जो हमें पता चल रही है हम घर में बताते हैं तो कहते हैं तुम किसका सत्संग लेती हो, हम बताते हैं तो भैया जी क्या है ये एक एक चीज हमें, मतलब अपने परिवार में भी बताती हूँ तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुझे खुद खुशी मिलती है कि मैं कुछ बताने जोगे हूं तो सही, भगवान का नाम मैं सब जगह बताती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है भैया जी, बहुत खुशी मिलती है। मैं इसी के बोलती हूँ कि दो लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे साथी तुम्ही हो सहारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे साथी तुम्ही हो सहारे, किससे कहूंगा मैं, किससे कहूंगा मैं, तुम्ही से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू मधु जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यारे भाव हैं आपके। देखिए अनपढ़ वही होता है जिसको भगवत ज्ञान नहीं मिलता, जो हरि नाम नहीं करता, चाहे उसने संसारिक दृष्टि से पीएचडी ले रखी, बट रियलिटी में वो अनपढ़ ही है। और जिसको भगवान से प्रेम हो गया, हरि नाम करने में रुचि आ गई, जिसके अंदर परोपकार की भावना आ गई, एक्चुअली ट्रू सेंस में तो विद्या उन्हीं के पास है। तो आप ज्ञान मिल रहा है आपको, भक्ति मिल रही है, जोश में चलते रहिए। और यही गोलक एक्सप्रेस का लक्ष्य भी है कि आपको कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझाए जाए ताकि आप लोग भी अपने आसपास इस भगवत ज्ञान को सरल भाषा में बांट सको। जो ऐसा लग रहा है आपने करना भी शुरू कर दिया कि पिता मधु जी बहुत आनंद आ रहा था आपके भाव सुन के, ऐसे ही आप चलते रहिए। और आपने कहा ना माला पे ज्यादा मजा, देखिए टेलीकाउंटर जो है वो तो एक सेकेंड ऑप्शन है कि अगर कोई माला नहीं कर सकता है, आइडियली तो माला पे ही करना चाहिए, तो ये तो बड़े किस्मत वाले होगी आपको माला की लगन लग गई है, तो माला ही होती है। बट हम टेलीकाउंटर की ऑप्शन इसलिए देते हैं कि कोई अगर अब छोटे बच्चे हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, उनको काम वैसे पड़े हुए हैं तो वो उनका नाम ना छूट जाए, तो उस केस में टेलीकाउंटर भी बहुत अच्छा है। बट अगर माला की लगन लग जाए, जैसे पर्सनली मुझे माला में ही मजा आता है, तो माला में जो जिसको मजा आता है वो तो बहुत भाग्यशाली है। ऐसे ही आपने चलते रहना है, अब आप कह रहे हो नाम छूटता ही नहीं आपसे, तो इससे अच्छी एडिक्शन क्या हो सकती है। कीप इट अप, चलते रहिए। हरी बोल, हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। भैया मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि ये जिस प्रभात फेरी में गए ना, जैसे आपने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो हरिनाम संकीर्तन की जो है वो लहर जो है वो दौड़ा रहे थे, तो वैसे ही ये जब उस प्रभात फेरी में गए तो वहां पर इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने भी हरिनाम संकीर्तन को किया, हरे कृष्णा महामंत्र को, वो जब ढोलक डाला ना तो हरे कृष्णा महामंत्र को किया, और वो सब इतने हैरान हुए उस मंत्र को सुनकर, क्योंकि वो भजन भूजन तो ऐसे गा
गाते थे, लेकिन ये संकीर्तन जो है उन्होंने कभी नहीं किया था, तो ये इनके लिए बहुत डिवाइन रहा। और मैं भी सुनकर सच बोलूं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे जब इन्होंने सुनाया था। जी हरी हरी बहुत बढ़िया, मुझे पूरा यकीन है जब आपका संकीर्तन सुना होगा ना तो हृदय में भक्ति भाव जाग गया होगा। कीप इट अप, ऐसे चलते रहिए। हरी हरी बोल। डिवोटीज 8-10 मिनट रखें, आई थिंक जितने डिवोटीज हैं मैं चाहता हूँ आज हम कवर कर लें। हरी हरी बोल गीता जी। नेक्स्ट जी सरोज जी प्लीज। हरी चलो बोल जी, सरोज। शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। आप ना म्यूट पे हैं सरोज जी। हरी हरी बोल। आप नेक्स्ट डिवोटी को सुन ले हम गीता जी। सरोज जी म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट करें। जी, म्यूट को आप अनम्यूट कर लीजिए सरोज जी, आप बात कर रहे हैं। बटन दबाइए वहां पे फ्रंट में है ना, म्यूट हो गया वहां। सरोज चलिए जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए तो हम आगे चलते हैं आहना जी की तरफ। हरी हरी बोल सरोज जी। कोई इश्यू हो गया, कोई बात नहीं, हम आहना जी की तरफ चलते हैं। हरी हरी बोल आहना जी। आहना जी, हरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बोल जी, आपको। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा चुआड़ी गांव से आहना बोल रही हूँ। वेलकम निखिल भैया जी, आप हमारे ग्रुप में आए, मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, आप प्रभु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मैंने ये सत्संग पूनम जी और नताशा दीदी जी के माध्यम से मार्च 2022 में ज्वाइन किया था। सच में भैया आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ना कि सच्ची हम घर बैठे बैठे ही ना मतलब इतना अच्छा सत्संग सुन रहे हैं ना ऑनलाइन घर बैठे। तो सच में मैं पहले सत्संग के नाम से ना ऐसे भागती थी कि ऐसे बोरिंग सा लगता था, पर जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है ना तो सच में मैंने अपने अंदर बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी पाई। और इस सत्संग के बारे में मेरी दोस्त पूनम जी ने बताया था, तो सच में बहुत अच्छा सत्संग है ये। सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, सच में किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं था। तो सच में बहुत ज्यादा मतलब अब मतलब जो मेरी प्रॉब्लम थी वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है सत्संग के माध्यम से। तो मैं काफी ज्यादा स्वस्थ महसूस करती हूँ। तो सच में पहले मुझे छोटी से छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बहुत ही ज्यादा। तो मैं भगवान जी को हर बात पे ब्लेम करती थी कि भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो मैं हर बात मतलब उनकी उनको ही दोषी मानती थी। पर जब से मैंने मतलब कि सत्संग मतलब गीता जी का ध्यान करना शुरू किया है तो मैंने मतलब कि मैंने अपना गुस्सा भी कंट्रोल किया है और मैं अब गुस्सा भी नहीं करती। और मेरी जो फर्स्ट भागवत गीता की रीडिंग है वो गीता जी रितेश जी और नताशा दीदी जो कि हमें इतना अच्छा सत्संग करवाते हैं, इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, मतलब छोटी से छोटी बात मतलब बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही प्यार से समझाते हैं। जो हम मतलब जैसे हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए और हमें बड़ी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, और जो कि हमें मतलब कि निरंतर प्रभु जी का नाम जाप करते रहना चाहिए, चाहे जैसी मर्जी भी सिचुएशन आ जाए, जैसी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जो हरि नाम की जो गोली है ना वो हमें हर समय लेते रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी के जो नाम जाप में शक्ति है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सच में बहुत आनंद आता है इनकी माला जाप करने में। मैं अपनी दोस्त पूनम जी के घर जाती थी तो वहां मैंने लड्डू गोपाल जी देखे, तो मेरे मन में एक भाव आया कि मैं भी लड्डू गोपाल जी को लेके आऊं, मैं भी इनकी सेवा करूं। और फिर मेरे जो मतलब मेरी दोस्त है पूनम जी, उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी ला के दिए और मैं घर खुशी खुशी उनको लेके आई। अब मैं उनको 3 टाइम भोग लगाती हूँ और
भोग लगाती हूँ, और मतलब वो हमारे घर के एक छोटे से सदस्य बन चुके हैं, उनका नाम केशव है। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी, जो मेरे मतलब दोस्त ने मुझे दिए थे। तो सच में मैं जो कुछ भी हुआ आपके सामने बात कर रही हूँ भैया जी, तो मैं इस सत्संग के माध्यम से, और मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी मेरे केशव ने मुझे ठीक किया है, और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ना, इतना अच्छा, मैं क्या बोलूँ भैया, जितना आपको मैं थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। तो सच में हमें मतलब भगवान जी को 3 टाइम भोग लगाना चाहिए। जब तक हम उनको भोग लगाकर खुद खाना मतलब खाएंगे ना, तो हम पाप को ग्रहण करते हैं। तो हमें सबसे पहले छोटी छोटी बातों पे कृष्णा जी को ऐड भी करना है, चाहे हम कोई भी काम करें, कहीं जा भी रहे हैं या आ भी रहे हैं, कोई चीज लेके आ रहे, तो हमें कृष्णा जी को ऐड करना है। तो सच में मन, जो मन है ना, एक छोटा सा बच्चा है हमारा, बिल्कुल छोटा सा, वो बहुत चंचल है। तो हमें अपने मन को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। मैं पहले मीट मच्छी अंडा सब कुछ खाती थी, पर जब से मैं लड्डू गोपाल जी को लेके आई हूँ और गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग को मैंने ज्वाइन किया है, तो मैंने मेरा सब कुछ छूट गया। तो सच में मैंने सत्संग से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। तो मैं आपके लिए भैया, मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है, जो बनाए हमें इंसान दे सही गलत की पहचान, जो बनाए हमें इंसान दे सही गलत की पहचान। निखिल भैया जी, मेरी ओर से आपको शश्वत प्रणाम, मेरी ओर से शश्वत प्रणाम। अब मैं उन 3 गुरुओं के नाम लेना चाहूंगी जो हमें इतना अच्छा सत्संग करवाते हैं, जो कि हमें इतना अच्छा समझाते हैं। तो मैंने उन 3 गुरुओं के नाम है गीता जी, रितेश जी और नताशा जी। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमत धन वाला मेरा गुरु है अनमोल। तो सच में मतलब गीता जी हमें इतना अच्छा सत्संग करवाते हैं ना, इतना अच्छा, छोटी से छोटी बात मतलब इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं ना, सच में इतना अच्छा मतलब वो करवाते हैं ना हमें सत्संग। नताशा दीदी जी, रितेश जी, बड़े ही सही ढंग से समझाते हैं। और भैया मैंने ना मतलब एकादशी का व्रत रखना भी स्टार्ट किया है, वो मुझे नताशा दीदी ने बताया था। तो सच में इस सत्संग के माध्यम से तो मेरी तो जैसे लाइफ ही बदल गई है। जो भागवत गीता, जो हम जैसे अगर हम कुछ सीखते हैं ना, तो हमें वो अपनी लाइफ में करना भी आना चाहिए। जैसे हम कुछ कोई चीज सीख रहे हैं तो हमें अपनी लाइफ में उतारनी भी चाहिए। तो सच में भागवत गीता हमें जीने की एक नई दिशा दिखाती है। तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु जी का नाम जाप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। चाहे जैसी मर्जी मतलब कंडीशन आ जाए, चाहे आप बीमार हो, चाहे प्रॉब्लम में हो, कुछ भी, इनके नाम जाप में बहुत शक्ति है। तो सच में मैं फिर आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि नमन करती हूँ आप सबको, कि मतलब आपने इतना अच्छा सत्संग करवाते हो सब। तो निखिल भैया जी, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू आना जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत प्यारे प्यारे परिवर्तन आ गए हैं। भगवान ने देखो अपने आप आपको लगन भी लगा दी। थैंक यू, आपने दर्शन करवाए अपने लड्डू गोपाल के, और उनकी कृपा से अब आपका कुछ हैबिट्स भी बदल गई हैं, वेजिटेरियन बन गए हो। आपकी फ्रेंड पूनम जी को भी आभार। ट्रू फ्रेंडशिप से ही होती है, ट्रू रिलेशनशिप वही होते हैं जो हमें एक दूसरे को भगवान की तरफ आगे बढ़ने में सहायक रहे। अदरवाइज जो जो रिश्ते नाते हैं, अगर भगवान से हमें भटका रहे हैं, तो वो एक्चुअली इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी कि मैंने कब ठीक होना कब नहीं। तो मतलब मेरे पूनम जी जो मेरे फ्रेंड है, इन्होंने मुझे बताया कि ये सत्संग को सुनिए एक बार सुन के, तो देखो मैं हर बात पे भगवान जी को ब्लेम करती थी कि मैंने कब ठीक होना है, कब ठीक होना है, तो मुझे ठीक कीजिए। तो सच में इन्होंने मुझे बताया सत्संग के बारे में और लड्डू गोपाल जी ला के दिए, तो तब से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, तो सब हरि जी की कृपा ही है भैया जी। बिल्कुल आना जी, जैसे अब आप ठीक हो गए हो, वैसे ही आपने इंस्पायर करना है लोगों को। हमें बस अपने में रुक नहीं जाना है, हमें सोचना है कि भाई संसार में करोड़ों लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज कितने सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज किसी को मन को कंट्रोल करना नहीं आता। वही अगर लोग देखो सिंपल है, अगर लोग सत्संग सुनना शुरू कर दें रेगुलरिटी से, अब तो यूट्यूब पे भी आ गए हैं लोग, हरिनाम करना शुरू कर दें, डिवोटी के साथ सोशलाइज करना है तो डिवोटीज के साथ अपने भाव प्रकट कर लो, भोग लगाओ, इतना बिजी हो जाओ डिवोशन में कि आपके पास फालतू की बातें सोचने का समय नहीं बचता, और बिना दवाई खाए हुए ही डिप्रेशन ठीक हो जाती है इंसान की। हाँ जी, आप हाँ भी जी, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए,
थैंक यू सो मच, कीप इट अप। हरी बोल, हरी बोल, हरी 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 बोल, हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल निखिल जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा निखिल जी, पूनम जी जो है वो नताशा जी की भाभी है एक बात, और सेकंडली आहना जी की बात करूं तो निखिल जी बहुत बीमार रहते हैं, महीने में दो दो बार भी इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है पीछे, और अब प्रभु श्रीहरि की इतनी कृपा, ये बोल भी नहीं पाते थे ज्यादा हमारे सत्संग में, ये कहते थे मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मगर जब धीरे 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 उन्होंने चलना शुरू किया, नाप जाप शुरू किया, और लड्डू गोपाल जी इनके घर में आए, तो साथ साथ में प्रभु श्रीहरि की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर इतनी ज्यादा बरसात ही होगी, समझ लीजिए, देखिए कितने अच्छे से बोल पाए हैं आज ये, तो हम लोग खुद हैरान हुए हैं आज। मैं तो उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा, मतलब कि बीमार भी रहते थे, बात भी नहीं कर पाते थे, मगर आज श्री हरि की बहुत कृपा है इनके ऊपर। तो आहना जी थैंक यू वेरी वेरी मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं निखिल जी, अब हम पूजा आस्था जी हैं हमारे साथ। पूजा आस्था जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, शुभकामनाएं आपको पूजा जी, हरि बोल, हरी हरि बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूजा आष्टा अमृतसर से, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने गोलोक को सितंबर 2022 में ज्वाइन किया था, और मेरी फर्स्ट रीडिंग गीता जी, रितेश जी और नताशा जी के माध्यम से हुई थी, और मैं अपने गुरुजनों को निखिल भैया जी को शत शत नमन करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे ग्रुप में आए। हरी हरी बोल जी। मैं पहले सत्संग लगाने को तैयार नहीं थी, और जब मैंने पहली बार मेरी बेटी ने जो 21 साल की है उसने सत्संग को ज्वाइन किया था, तो उसके उसमें इतना बदलाव आ गया, इतना बदलाव धीरे धीरे आने लगा, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बदल गई है। फिर मेरे मन में भी आने लगा कि मैंने भी सत्संग ज्वाइन करूंगी, और ईशा जी के माध्यम से जब मैंने सुना सत्संग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे भी इसमें ज्वाइन कीजिए। ईशा जी और रेणु जी के माध्यम से मैं इस सत्संग में ज्वाइन हुई हूँ, और मुझे बहुत ही आनंद आने लगा, और मैं नित्य निरंतर जब सुनती थी सत्संग तो मेरे मन में इतना आनंद आता कि मैं सारा दिन यही सोचती रहती कि इतना अच्छा सत्संग है, और मेरे मन में पॉजिटिविटी आने लगी, और मुझे बहुत ही आनंद आने लगा। फिर धीरे धीरे हमने सत्संग को ज्वाइन, मेरी भाभी भी, भाभी जी भी मेरे साथ ज्वाइन करने लगी, और उनको भी बहुत ही आनंद आने लगा, और कहने लगी कि इतना अच्छा सत्संग, ये तो मुझे भी ज्वाइन करवाओ। फिर मैंने उनको भी ज्वाइन करवाया। हम पूजा पाठ तो रोज करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, दीप भी जलाते हैं, लेकिन इससे हमें, इसके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली कि इसके अलावा भी कोई ज्ञान है, वो है गीता का ज्ञान, जो कि हमें लेना चाहिए, और वो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके माध्यम से हमें ये पता चला कि पहले पहले हम गीता पढ़ते थे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता था, फिर हम मतलब पढ़ के ही ऐसे छोड़ देते थे कि कोई समझ तो आई नहीं है, फिर एक दो दिन पढ़ के हम छोड़ देते थे। फिर हमारे घर के बुजुर्ग भी ये कहते थे कि गीता को घर में नहीं पढ़ना, मतलब सुन सकते हो पढ़ नहीं सकते हो, और गीता का 18वां अध्याय भी मतलब जब पढ़ते हैं, जब किसी की मृत्यु होने लगती है वो तब पढ़ा जाता है, तो हमारे मन में ना गीता का मतलब अध्ययन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि हम घर बैठे इतना अच्छे, इतने सरल शब्दों में इसका सुनेंगे, ये हमें पता ही नहीं था गीता के अध्ययन के बारे में। तो हमें यहाँ पे आके इतना आनंद आया कि हमें सारा समझ आने लगा गीता जी के माध्यम से, और इतना अच्छा समझाते थे। फिर इसके माध्यम से हम एकादशी का व्रत भी रखने लगे, और घर के सदस्य भी हमें देखकर रखने लगे। तो और इसके बाद हमें इसके बारे में ये पता चला कि कार्तिक मास का क्या महत्व है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब कार्तिक मास का इतना महत्व होता है, कि कैसे दीपदान करने हैं इसके बारे में पता चला। फिर दामोदर अष्टकम का पाठ हमने सुना,
उसका भी अर्थ और महत्व का पता चला और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे भी मतलब ऐसा भी होता है। फिर माला जाप करने के फायदे हमें पता चले, जो हमें घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमने कभी देखे नहीं थे, माला काउंटर और चैंटिंग बॉक्स हमें घर बैठे बैठे वो मिला, तो उसके उससे हम अभ्यास मतलब करने लगे। और हमें ये भी पता चला कि माला जाप करने के क्या फायदे हैं, कि बस काउंटर से माला जाप नहीं करना, उसका मतलब है कि हमें अभ्यास हो जाए कि जब हम खाली समय में भी बैठे हों तो हमारे मन में भगवान के ही भाव आए और हम उनका नाम ही निरंतर जपते रहें। इसके बाद हमें फोर पिलर्स के बारे में पता चला कि सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार को अपनाकर हम कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का पता चला। फिर एक ऐसा मॉडल जिसमें दो रथों की तुलना की गई है, मन और बुद्धि को हमें भगवान को सौंप देना चाहिए और कैसे हम मन और बुद्धि को भगवान को पूरी तरह सौंप देना चाहिए और तभी हमारा उद्धार हो सकता है और हमें पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम घर बैठे आसानी से आराम से काम करते हुए भी सुन सकते हैं। बस मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस चंबा से एक ऐसी ज्योति प्रकाशित हुई है जिसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और हर घर में हर घर हर मन मंदिर बनता जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और निखिल भैया जी को शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने ये शुरू किया। और अंत में मैं दो लाइनें कहना चाहती हूँ कि संता दा संग बड़े पागा नाल मिलेगा, संता दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, मिलदा ए बड़े कर्मा नाल जी, मिलदा ए बड़े कर्मा नाल जी, संता दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, मिलदा ए बड़े कर्मा नाल जी। हरी हरी बोल जी। और अंत में यही कहना चाहती हूँ न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे न किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल जी। हरी बोल पूजा जी, आपको सुनके बहुत आनंद आया, कैसे आप अपनी ड्यूटी से इंस्पायर हो गए, है ना। किसी को पता नहीं चलता है कि हम किससे कब इंस्पायर हो जाए और हमसे कौन इंस्पायर हो जाए। ऐसी आपने चलते रहना, बड़े प्यारे भाव हैं आपके, अब समझ पा रहे हो कि हरिनाम की इम्पोर्टेंस क्या है, भक्ति में रुचि बढ़ रही है, ऐसे चलते रहिए। सभी डिवोटी से विनती है कि लगातार चलते रहना है आपने, मजा आएगा नहीं आएगा हमने रुकना नहीं है। आप इतनी विशेष कृपा हो गई है हम सब पे, घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहा है, तो इसका खूब सदुपयोग कीजिए और परोपकार कीजिए। थैंक यू पूजा जी, कीप इट अप। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल पूजा जी, बहुत बढ़िया शॉट में आपने अपने भाव प्रकट किए हैं, मतलब कम समय में ज्यादा बोल पाए हो आप, जो निखिल जी भी कहते हैं और मैं भी अक्सर कहता रहता हूँ ना, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच। और एक बात और कहना चाहूंगा निखिल जी, कि हमें भी जो प्रभु श्रीहरि की कृपा से मान सम्मान मिलते हैं ना यहाँ पे, वो भी हमारे जो गुरु हैं निखिल जी उनके चरणों में, प्रभु श्रीहरि के चरणों में जो है वो हम अर्पित करते हैं, वो हम लोग उसके लायक नहीं हैं, मगर प्रभु श्रीहरि की अपार कृपा बरस रही है। और चलिए अब हम नेक्स्ट डिवोटी जिनको सुनने जा रहे हैं निखिल जी, वो राधा रानी जी हैं और वो पूजा आस्था जी की जेठानी हैं जी। चलिए राधा रानी जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं राधा रानी जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जय। हरी हरी बोल। हरी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इस सेशन में आके तो जैसे जीवन बदल गया है, पूरी की तरह पूरा सारा जीवन ही बदल गया आपके सेशन में आके। हमें कार्तिक महीने का भी कुछ पता नहीं था, वो भी
इस सेशन में आके पता चला कि कैसे दीपदान करते हैं, कैसे कैसे उसमें पाठ किया जाता है, दमोदर अष्टकम किया जाता है, वो भी हमने इसी सेशन में आके हमें पता चला, हमें उसका भी कुछ भी पता नहीं था। और सब कुछ जो भी हमें पहले से, तो मैं यही सोचती रहती थी कि पता नहीं हम इसे इस सेशन में आके कैसे बोल पाएंगे, कैसे हमें बिल्कुल भी मेरे, मैं तो ये सोच ही नहीं सकती थी कि मैं कभी बोलूंगी। मुझे, मैं इस माध्यम, पूजा जी के माध्यम से जुड़ी, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि सुन लेती हूँ मैं, लेकिन मैं पूजा बोल नहीं पाऊंगी। तो वो बोलने लगे कि नहीं, एक बार सुनो तो फिर आपको अपने आप पता चलेगा। जब मैंने ये सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो बस ऐसे हो गया जैसे जीवन बदल गया। गीता जी, रितेश जी और नताशा जी के माध्यम से बहुत कुछ पता चला है कि कैसे गीता पाठ करते हैं, कैसे कैसे वो गीता पाठ जो हमें समझ ही नहीं आता था, वो भी हमने इसी माध्यम यहाँ से सुन के उसका भी पता चला। कभी मैंने जिंदगी में कभी भजन नहीं बोला था, वो भी मैंने इस सेशन में बोलना शुरू किया, तो मुझे पता चल गया कि हाँ, तो ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति है। तो गोला, जब से मैं से गोलो के एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, बस घर में ऐसे है जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे कान्हा जी खुद आके मेरे घर में बैठ गए हैं और वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आपको मैं क्या बताऊं, आपने जो हमें सामान भेजा है ना माला जाप का, वो भी मैंने पहले कभी देखा नहीं था, वो भी मैंने जब देखा तो उससे पाठ किया, माला जाप किया। घर में सारा दिन वो लगा पाठ लगाते हैं, तो वो सारा दिन सुनते रहते हैं, वो बोलते भी रहते हैं, अपने मन में भी चलता रहता है सारा सारा दिन, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो एक दिन मेरे मन, हमारे पास ना गाड़ी नहीं थी, हम राम तीर्थ गए मत्था टेकने के लिए, वहां से मेरे मन में भाव आया कि लड्डू गोपाल जी के लिए गाड़ी लेके जाती हूँ। तो मैंने वहां से छोटी सी एक गाड़ी ली और आके मैं लड्डू गोपाल जी के मंदिर में रख दी। तो मैंने, हमें याद भी नहीं, तो ये परसों गए और आते आते मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आए, तो मैं इतनी खुश हुई कि लड्डू गोपाल जी आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया, जैसे मैं लेके आया आपको भाव के साथ लेके आई, आपने तो मुझे ले ही दी। इतना अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे घर के सारे दुख हर लिए हैं प्रभु ने, मैं बता नहीं सकती। मेरा बेटा भी कुछ ऐसे ही था, वो भी अब उसने खुद मुझे बोल के हमें बोला कि मैंने भी पाठ करना है, मुझे भी शॉप खोल के दो। मैंने उसको, हमने शॉप खोल के दी, वो भी अब बड़े अच्छे से चल रहा है। तो हम जो भी हमने ऐसे, मुझे तो ये कुछ और तो समझ नहीं, लेकिन ये है कि मुझे ऐसे लग रहा जैसे गोपाल जी मेरे घर में आके खुद बैठ गए हैं और सब कुछ जो खराब था वो उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। और निखिल भैया जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जब से मैं इस सेशन से जुड़ी हूँ, मुझे तो, मेरा तो जीवन ही बदल गया, बहुत कुछ बदल गया है, सब कुछ घर में सब कुछ ठीक हो जा रहा है। बस आपकी कृपा और श्री हरि की कृपा ऐसे ही बनी रहे, जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। कल मेरा इतना दिल करे कि मैं गीता पाठ सुनूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मैं गीता पाठ सुनूं कैसे, पढ़ूं तो कैसे, मुझे पता ना चल रहा था कुछ भी। तो मैंने ना टीवी में चैनल लगाया, तो उसी वक्त आधे घंटे का पाठ उस चैनल में आया, तो मन इतना खुश हुआ कि मेरा मन इतना खुश हुआ कि जैसे ठाकुर जी ने मेरे मन में जो मैं सोचती हूँ ना वो पूरा करी जा रही है। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जो भी सोचू सोच के उसी वक्त पूरा हो रहा, बस वो आपकी कृपा से हो रहा है जो आपने हमें इस सेशन में ज्वाइन किया है। आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपका।
हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। राधा रानी जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया, बड़े प्यारे भाव आ गए हैं, बड़े खुशी हुई कि आप भगवान को अंग संग अनुभव कर रहे हैं, उनकी कृपा से दुखों का कष्टों का निवारण हो रहा है, जो आप सोच रहे हो वैसे वैसी चीजें भगवान सरलता से करवा रहे हैं आपके लिए, है ना। ऐसी आपने चलते रहना है, लेकिन इससे भी अटैचमेंट नहीं बना लेनी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आगे चलेंगे तो फिर ऐसे समय भी आते हैं जब मन में जो विचार रखते हैं हम, जो इच्छाएं होती हैं, कई बार प्रतिकूल अवस्था भी आ जाती है। तो अगर हमने ये अटैचमेंट बना ली ना कि जो मेरा अभी सोच रही हूँ मैं वैसा हो रहा है, तो फिर अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर डिवोटी बहुत जल्दी लो फेज में आ जाते हैं और फेज भी लूज कर जाते हैं, है ना। दोनों तरह के फेजेस आते हैं, जब मन के मुताबिक हो रहा है बहुत सारी चीजें भगवान करा भी देते हैं, ये प्रभाव होता है भगवान का। फिर स्वभाव का फेस भी आता है, जब परीक्षाएं होती हैं अलग अलग तरह की, तब चीजें नहीं होगी, है ना। पहले से बता रहा हूँ मैं आपको, फिर समय ये मत सोचिएगा कि डिवोशन में कोई दम नहीं है, भगवान में कोई फेथ नहीं है, कर देते हैं हम ऐसा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रभु जिस हाल में आप रखोगे, हमें आपसे प्रेम करना है, आपकी मर्जी है, सुख दोगे दुख दोगे जैसे भी है, हमें आपके साथ बस लगे रहना है, बस ये भाव से आगे बढ़ते रहिए। कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। चलिए अब हम सरोज जी की तरफ चलते हैं एक बार फिर से। सरोज जी, सरोज जी शुभकामनाएं आपको, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं अपने गुरुओं का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो कि हमारे सत्संग में आप हमारे भाव जानने के लिए पधारे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं सरोज वर्मा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रजोल गांव से बोल रही हूँ। मैं नताशा जी जो चंबा से हैं, उनके माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। मुझे अभी तक जुड़े हुए 1.5 साल हुआ है गोलोक एक्सप्रेस के साथ, और गीता जी और रितेश जी के माध्यम से भागवत गीता की रीडिंग करती हूँ। मुझे अभी इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए 1.5 वर्ष हुआ है। मेरी भागवत की गीता की रीडिंग 2 समाप्त दिसंबर महीने में भी समाप्त हुई है। पहले भी हम लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, मगर भागवत गीता की रीडिंग करने से हमें पूजा और भक्ति का बहुत ही ज्यादा आनंद आने लगा है। अब हमने अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी महसूस की है। गीता जी हमें बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से भागवत गीता की रीडिंग करवाते हैं। अब तो हमें ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। अब हमने ऐसा समझा है कि इस जीवन का दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि हमें इसको परमात्मा के नाम का सिमरन करवाना है। और यह तभी हो सकता है जब हम सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार को बढ़ाएंगे। हमें भगवान से इसलिए मजबूत नाता जोड़ना है। हम परमात्मा से अच्छा रिश्ता बनाएंगे, तभी ये सब कुछ भक्ति का मार्ग मिल सकता है। और मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ करके धाम यात्रा का भी मौका मिला। बच्चों ने हमें 15 दिन की यात्रा के लिए, धाम यात्रा के लिए भेजा। वहां हम रामेश्वर धाम, मीनाक्षी देवी, मथुरा, वृंदावन और निधि वन, बांके बिहारी, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का हमने बहुत ही अच्छा मौका पाया। गीता जी ने मुझे वहां भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि वहां भी आप बहुत ही अच्छे, खूब ज्यादा से ज्यादा माला करना। वहां हमने बहुत ही आनंद से खूब माला और भगवान का नाम जाप किया। इस बार हमने बहुत ही सुंदर आनंद से दीप दान किए। कार्तिक मास में दोनों बहुओं ने भी मेरे साथ संकीर्तन और कार्तिक मास में व्रत और दीपदान अच्छे तरीके से बहुत खुशी से किया। पहले भी हम एकादशी का व्रत करते थे, मगर निर्जरा एकादशी और तुलसी माता की एकादशी दो ही व्रत करते थे, मगर हम अब महीने की 2 एकादशी का व्रत करते हैं। मेरी दोनों बहुएं भी मेरे साथ एकादशी के व्रत करती हैं।
मेरी पोती जो छोटी है वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, बहुत खुश और बहुत अच्छे ढंग से सेवा करती है। निखिल जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमें इतना सुंदर प्लेटफार्म घर बैठे ही सुनने और माला करने, दीपदान करने, अच्छा भगवान का नाम के लेने के लिए दिया है। बहुत खुशी होती ही है, बहुत ही आनंद आता है आता है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं अपनी वाणी को दो लाइन भजन के साथ विराम देना चाहती हूँ। मानस जन मन मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन मन मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में तू जाया कर, नाम हरि का गाया कर, सत्संग में तू जाया कर, नाम हरि का गाया कर, सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सरोज जी, बहुत प्यारे भाव है आपके, ऐसी डिवोशन में आप ग्रो करते रहिए। थैंक यू, प्यारा भजन भी आपने हमें सुनाया। कीप इट अप। हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब हम रजनी जी की तरफ चलते हैं। हरी बोल रजनी जी। रजनी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। निखिल भैया जी, आप हमारे सत्संग ग्रुप में आए, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रजनी शर्मा हिमाचल प्रदेश गांव लुड्डू की रहने वाली हूं और हाउस वाइफ हूं। भैया जी, मैं गीता जी और रितेश जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हूं। और भैया जी, मैं 2021 में 23 अप्रैल को गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई और भगवत गीता का मैंने अध्ययन करना शुरू किया और मुझे बहुत ही आनंद आया। और इसमें हमें दो रथों के बारे में पता चला कि दो रथों की तुलना कैसी होती है, आध्यात्मिक के चार स्तंभ के बारे में पता चला, सत्संग साधना सेवा और सदाचार के बारे में पता चला कि सत्संग क्या है, हमें अच्छे संतों का संग करना चाहिए, और साधना क्या है कि हमें खूब हरि नाम करना चाहिए, और सेवा से हमें पता चला कि हमें निष्काम भाव से हमें सेवा करनी चाहिए, और साधना से हमें ये पता चला कि हमें हमें किसी की निंदा चुगली कुछ नहीं करनी चाहिए, और कार्तिक मास के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं था, और इसमें हमने कार्तिक मास में खूब दीप दान किया। और भैया जी, इस गोलोक एक्सप्रेस के बाद जुड़ने से मेरे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इस गोलोक एक्सप्रेस के बाद जुड़ने से ही मेरे घर में लक्ष्मीनाथ का मंदिर विराजमान हुआ है। इससे पहले ना तो हमें कभी पता था कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए, कभी कभार हम भोग लगाते थे, आरती वगैरह करते थे, लेकिन इतना पता नहीं था कि हमें किस प्रकार से भगवान की भक्ति से जुड़ना है। मैं तो गीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो इन्होंने मुझे इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा है, और रितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमें गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा है और हमें
इसमें सब कुछ बताया गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, प्रॉपर पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, ABCD की भक्ति के बारे में बताया गया, जो हमें कभी पता नहीं था कि ABCD की भक्ति क्या है और किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। तो ABCD की भक्ति में ए में हमें अंदरूनी कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया, बी में हमें प्राथमिक कुरुक्षेत्र के बारे में बताया, जैसे बच्चे बीवी के बारे में, और सी में आध्यात्मिक कुरुक्षेत्र जैसे कारोबार के बारे में बताया गया, डी में जैसे तीसरा कुरुक्षेत्र आता है इसमें विनाशक गतिविधियों कर्म योग और दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए। पहले हम कर्म करते थे भगवान से भी, जो कुछ भी भगवान के लिए कर्म करना तो हमने उनसे कुछ ना कुछ मांगना है, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के बाद जुड़ने से हमें ये समझ में आ गया है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। और दिव्य ज्ञान के बारे में भी पता चला कि हमें अपने ज्ञान को किस प्रकार से इकट्ठा करना चाहिए, और मन और बुद्धि के बारे में पता चला कि किस प्रकार मन हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा है, मन हमारा शत्रु भी है और मन ही हमारा मित्र भी है। तो हमें निष्काम भाव से अब अपने मन को प्रभु श्री हरि के साथ जोड़ना है और नित्य निरंतर हमें बस हरि नाम को जपते रहना है, और बुद्धि के द्वारा हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। भैया जी, मेरे तो मैं अपने भाग्य को बहुत ज्यादा सराहना देती हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद मुझ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि ठाकुर का जो विग्रह है मेरे घर में आ गया। तो भैया जी, इस क्या डिवाइन एक्सपीरियंस मैं क्या क्या बताऊं आपको कि एक दिन मैं घर में बीमार हुई और ठाकुर जी मेरे साक्षात ही मेरे घर में विराजमान है और उन्होंने अपने साक्षात मेरे घर में दर्शन दिए। भैया जी, आपका सपना है ना कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, तो मैं इतना क्या बोलूं कि मेरे घर में वो सपना साकार हो गया, क्योंकि मैं सरल और बहुत सीधी स्वभाव की हूँ और मेरे घर में ठाकुर जी का विग्रह आ गया और उन्होंने मुझे साक्षात ही दर्शन दिए। अब तो मुझे सत्संग इतना अच्छा लगता है कि सत्संग के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। सत्संग जहां भी होते हैं, मुझे संतों का संग सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि सत्संग में मेरे ठाकुर की बातें होती है, जो भी बातें होती है मेरे ठाकुर के प्रति होती है, और मैं सत्संग को हमेशा सुनती हूँ क्योंकि निष्काम भाव से ठाकुर की सेवा में लगी हुई हूँ। भैया जी, पहले तो हम भोग कभी कभार लगाते थे, लेकिन अब मैं नित्य प्रति अपने घर में ठाकुर जी को नित्य भोग लगाती हूँ, नित्य आरती करती हूँ। पहले हम जो भी घर की चीजें लाते थे तो ऐसे ही खा लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सत्संग से तो मेरा पूरा परिवार बदल गया भैया जी, और मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। और सबसे पहले तो सत्संग में ये देखती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे इस सत्संग से जुड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पहले छोटे छोटे बच्चे जो थे वो अनेक कार्यों में लगे रहते, लेकिन इसमें सत्संग, हमारे सत्संग में छोटे छोटे बच्चे बहुत जुड़ गए भैया जी, ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे घर में पहले मेरे बच्चे जो थे वो ऐसे भक्ति भाव से कुछ भोग पूजा वगैरह नहीं करते थे, लेकिन जब से ठाकुर जी का यहाँ पे आगमन हुआ तो अब तो मेरे बच्चे भी नित्य प्रति मंदिर में जाके भोग लगाते हैं, नाम जाप माला करते हैं, हमारा तो पूरा जीवन ही बदल गया। और यहाँ पे जो ठाकुर के दर्शन हुए भैया जी, क्या बताऊं, लक्ष्मीनाथ का मंदिर मेरे घर में विराजमान हो गया, मुझे सबसे बड़ी अनमोल दौलत मिल गई है, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कुछ भी नहीं है। और उनके जो चरण पादुक है भैया जी, 4-5 दिन तक मेरे आंगन में ऐसे ही रहे और उससे ऐसी दिव्य सुगंध आई कि क्या बोलूं मैं आपको, और अपना डिवाइन एक्सपीरियंस क्या बताऊं, इसको कुछ भी नहीं बता, ना कल्पना भी नहीं कर सकती हूं मैं इसकी। फिर उसके बाद भैया जी, ठाकुर जी ने ही बोला कि तू नित्य मुझे भक्तमाल की कथा सुनाया कर। तो भैया जी, मैं नित्य ही ठाकुर को, अपने ठाकुर को नित्य भक्तमाल की कथा सुनाती हूँ।
जैसे मीरा भाई हो गए, संत रैदास हो गए, नामदेव जी हो गए, गोरख कुमार जी हो गए, नित्य मैं इनको बस यही कथा सुनाती हूँ, भक्तमाल की कथा सुनाती हूँ, रात को भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ, इनके लिए पलंग शेज वगैरह बनाई है और नित्य ही इनको सुलाती हूँ, जगाती हूँ और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इन्होंने इतनी अनमोल चीज दी है। भैया जी, इस सत्संग के जुड़ने के बाद ही मेरे साथ ये हुआ है, अगर इस सत्संग जुड़ने से पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस सत्संग से जुड़ने के बाद इस सत्संग में हमें सब कुछ बताया जाता है कि किस प्रकार से हमें कार्तिक माह में हमें क्या करना चाहिए, अष्ट दमोदर का पाठ करना चाहिए, पहले नहीं करते थे लेकिन फिर हमने सब कुछ किया, अब तो अपने ही घर के मंदिर में मैं बहुत प्रसन्न हूँ भैया जी, बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरे बच्चे, मेरे पति जो रोज डेली नित्य जाप अपने ही मंदिर में करते हूँ भैया जी, अपने ही मंदिर में रोज नित्य जाप करते हैं, मैं यही पे अपनी वाणी को विराम दूंगी कि न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, न किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है पे केवल और केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए, नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, बोल जी। जी बहुत आनंद आता है, इतने प्यारे भाव आ गए हैं आपके घर में, भगवान की अनुग्रह आ गए, साक्षात दर्शन हो गए हैं आप पे और लगन लग गई है आपकी, भगवान को आप कथाएं सुनाते हो, भक्तमाल की भोग लगाते हो, पारिवारिक जीवन में भी भक्ति बढ़ रही है, घर घर मंदिर, हनुमान मंदिर का सपना भगवत कृपा से आपके घर में साकार हो गया है, हजारों घर के में साकार हो गया है, आप हर एक परिवार कम से कम 500 परिवारों को बदल सकता है आने वाले 5-10 सालों में अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। भैया जी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि इन्होंने जिस टाइम स्थापना करवाई थी ना लक्ष्मी नारायण भगवान के विग्रह की, बहुत सुंदर इन्होंने मंदिर बनवाया, मैं इनके घर गई थी। और ये क्या करते हैं, ये वहां पर लेडीज, गांव की सारी लेडीज को बच्चों को इकट्ठा करके इन्होंने सत्संग सुनाना उनको शुरू कर दिया है। और इनकी बड़ी एक्सप्रेस जो है वो सब मिलकर इनके घर में जाए और सत्संग करें, इनका बहुत बड़ा जो है वो प्रांगण है। और अब आती हुई गर्मियों में मैं जरूर जो है, इनकी बड़ी इच्छा थी तो मैं नितिन भैया को बोलूंगी कि जरूर जो है वो सत्संग हो। और जो इन्होंने बताया ना कि वो चरण चिन्ह, और वो इन्होंने ना मुझे सच में फोटो भेजी थी वो चरण चिन्ह की, कि जो चरण चिन्ह लगे हुए थे प्रभु जी के और ये ठीक हुई है, इनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और कहती है ठाकुर जी ने ही ठीक किया है। तो इनके भावों को तो मैं भी शत नमन करती हूँ, बहुत शुद्ध भाव है इनके। थैंक यू सो मच रजनी जी, बस चलते रहिए बस ऐसे ही चलिए। ठाकुर जी ही हमें ठीक करते हैं, इस विश्वास से आगे बढ़ते रहिए, जरूर हो सके तो जरूर कभी ना कभी वहां पे। कहाँ है आपका इनका घर, कहाँ है? लुड्डू में है, चामुंडा मंदिर है ना जहाँ से, वहां से थोड़ा ऊपर जाए। मैं बात करूंगा भैया से जल्दी, कभी आने वाले 1-2 महीने में 3 महीने में जब भी कोई इवेंट करवाया जाए, मैं तो चाहता हूँ कि एटलीस्ट चंबा, देखो बाहर बुलाना तो बहुत मुश्किल होता है, पर चंबा के आसपास तो इवेंट्स होते रहने चाहिए, स्पेशली जो भक्त करना चाहते हैं अपने घरों में सत्संग, वो कल्चर होना चाहिए शुरू ना। संडे का मैंने भैया को कहा हुआ है कि संडे का कोई 11 से 2 बजे का टाइम हो, जो जो गोलोकियां अपने घर में सत्संग करवाना चाहें वो कुछ ना कुछ करते रहे, क्योंकि संडे ही एक टाइम होता है जो भैया के लिए अवेलेबल होता है, तो बहुत जरूर करेंगे आप जल्दी आपके घर में। रजनी जी कीप इट अप, वेलकम है आपका, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मेरे घर में ये मंदिर बना, आपका सपना है ना कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, तो मेरे घर में ये सपना मेरा पूरा हुआ है, मेरे घर में ये सपना पूरा हुआ भैया। बिल्कुल आपके घर में जरूर सपना पूरा होगा, ये वाला सपना ही पूरा होगा, और फिर आपका ये भाव चला जाएगा कि ये मेरा घर है, फिर आपका भाव ये आ जाएगा ये कृष्णा जी का घर है और मैं किराए पे रह रही हूं। चलो कीप इट अप, हरी हरी बोल। अब हम चलते हैं शशिमा जी की तरफ, हरी हरी बोल शशिमा जी, बोले दे दी है भैया, हरी बोल जी। निखिल जी, मैं शशिपाल लांडी सर से और अपनी कजन सुषमा शर्मा के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, गीता जी और रितेश जी के सत्संग के साथ। तो रितेश जी,
सॉरी निखिल जी, इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद मेरा तो जीने का नजरिया ही बदल गया। सच में मैं आपको क्या बताऊं, इतना आनंद घर बैठे हुए मिल रहा है, ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं आने की, ना ये सोच कि हमें तैयार होना है या हमें कोई खर्चा करना है, बिना किसी शक के हमें इतना अच्छा आनंद मिल रहा है, इतना ज्यादा आनंद मिल रहा है। गीता का जो अध्ययन, भागवत भागवतम का आनंद, और सुबह मॉर्निंग सेशन, इतना आनंद निखिल जी, सुबह उठते जैसे आत्मा को खुराक मिलती है ना, सच में पूरा दिन बड़े आराम से निकलता है सुबह का सेशन अटेंड करने के बाद। और इतना कुछ मिला है मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कि हमें दो रथों की तुलना के बारे में बताया गया कि दो रथों की तुलना, एक में जो हम अपनी बुद्धि में कृष्णा को बिठाते हैं तो कैसे हम निडर होकर चलते हैं, जब हम अपने कृष्णा के अपने आप को कृष्णा के शरणागत नहीं करते तो हम कैसे डरे हुए चलते हैं। तो हमें फिर एबीसी मॉडल के बारे में बताया गया, तो हमें कैसे करना है, और फिर 4S मॉडल के बारे में बताया गया, और 3 गिनों के बारे में बताया गया, सात्विक राजसिकी और तामसी गुणों के बारे में बताया गया, फिर तीनों दानों के बारे में बताया गया, सात्विक राजसिक और तामसी। देखिए हम दान तो करते हैं लेकिन हमें किसी पात्र को अगर दान ना दिए तो उसका दान देने का भी कोई फायदा नहीं होता। बस हमें निष्काम भाव से चलना है, जो भी कार्य करना है प्रभु को समर्पित करते हुए करने है, अपनी ड्यूटीज को बखूबी निभाना है, और घर बैठे जो प्रभु का स्मरण करना है, चिंता छोड़ के चिंतन करना है। जब हम चिंता छोड़ के चिंतन करेंगे तो प्रभु हमारी चिंता जो है खुद करेंगे, हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, तो काफी प्रॉब्लम थी। फिर एक बार मैं डॉक्टर पे दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर वो आईज में ना मेडिसिन डालता है, उसके बाद दिखना बंद हो जाता है, तो चलने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ना अपनी बेटी को फोन करना था कि आके ले जाओ, लेकिन मैं बाय चांस उसका फोन नहीं मिला, तो मैं अपने किसी रिलेटिव के घर वहां चली गई, वो पास में ही था, उसके घर गई। तो निखिल जी वहां पे ना उनके पड़ोस में एक लेडी थी, काफी बीमार थी, वो बोले भाभी जी आप ना, वो ना मेरे को बोल रही थी कि आप इनको देखो, तो आप चलोगे मेरे साथ। मैंने कहा चलो, मैं उनके घर गई निखिल जी, तो वो लेडी बीमार थी, सर्दी का मौसम था, और उन्होंने ना ऐसे ना उनको लिटा रखा था, तो कहते ये इनका देखिए आप क्या हाल। मैंने कहा इनकी तबीयत तो काफी खराब चल रही है निखिल जी। मैंने गीता ली और गीता उनको सुनाई, फिर जब मैंने देखा उन्होंने ना उनको डायपर डाला हुआ था, तो इतना टाइट बच्चों का डायपर उनको डाला होता, कहते ये ना बहुत परेशान कर रही है। मैंने कहा हो आप देखो तो सही उनको, आपने ये क्या पहनाया हुआ, उतारो उसको। मैंने उसको उतारा और उन्होंने ना सच में जैसे चैन की सांस लेता है ना बंदा, ऐसे चैन की सांस ली, और मैंने ना उनको पूरा उनको दूसरे जो कपड़े ढीले वाले कपड़े थे ना वो उनको पहनाए, ऊपर कम्बल वम्बल लगा दिया। और फिर मैंने ना मैंने कहा अच्छा आंटी जी मैं जाऊं, पता क्या उन्होंने ना मेरा हाथ पकड़ लिया निखिल जी, और मेरा हाथ पकड़ कर ना मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, और मेरे को जैसे बहुत आशीर्वाद देते ना, बोल सकती नहीं थी कुछ, तो वो इशारे से कहती कि आप बैठ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। और मैं ना वहां पे बैठी थोड़ी देर, फिर मैंने ना उनको ना थोड़ी नींद सी आ गई, उनको सुला के फिर मैंने वहां से वापिस आ गई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप उनको ना गीता सुनाओ, आप उनको पाठ सुनाओ, वो चैंटिंग बॉक्स जो मैंने दिया है मैंने कहा इनके पास आप रखो, इनके पास लगाओ आप। उन्होंने लगाया तो देखिए जबकि वो ना डेथ बेड पे थी, बिल्कुल ऐसे थी कि अभी है कि अभी नहीं है, और चैंटिंग बॉक्स लगाने के बाद निखिल जी वो दिन पर दिन और बिल्कुल नौ पर नौ होगी, और चलने फिरने लग रही हो।
ये देखिए प्रभु की माया है ना, ये प्रभु नाम की जो है शक्ति वो तो अपरंपार है, ये तो हम नहीं जान सकते ना वो क्या और कैसे जरिया बनाया। मैं अपने घर वापिस आ रही थी और मेरी बेटी का फोन नहीं मिला और मैं कहाँ से चल के वहां पे चली गई और उनको गीता का पाठ सुनाना था और जरिया बनाना प्रभु ने कैसे बनाया। तो कहने के बाद जब हम अच्छे भाव रखते हैं तो वो कोई ना जरिया बना देता है अपना नाम लेने का। और निखिल जी कार्तिक मास में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया मैं आपको बता नहीं सकती। दमोदर स्कंद पाठ करते हुए और विषम पंचम और महीने का पूरा व्रत लिया हुआ था कि एक दिन का एक टाइम का खाना करूंगी, वो किया, दीपदान किया, तुलसी माता के दीप जलाए और सुबह उठ के स्नान करना, मंदिर जाना और मंगला के दर्शन करना और जहां तक हो सके आंध्र विद्यालय पुष्टाश्रम और गौशाला जैसे भी जितना भी हो सके। ये नहीं मैं बोलती कि मैं कितना करती हूँ, जितना भी हो सकता है मेरे शरीर से और मेरी अपनी कैपेसिटी के अनुसार मैं उतना कर लेती हूँ। बाकी प्रभु की इच्छा जो उन्होंने करवाना होता है वो करवा लेते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं मेरे पास शब्द नहीं है निखिल जी आपका धन्यवाद करने के लिए। मैं तो बस प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको मेरी उम्र भी लगे और आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहें और हम बूढ़ों को साथ में लेकर चलते रहें और प्रभु के नाम में लेके जाएं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू शशि जी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, हम आपके आभारी रहेंगे। देखिए आप सबका प्यार ब्लेसिंग्स ही है जिससे हम कुछ कर पा रहे हैं। बहुत प्यारा भाव आ गया आपका, देखो कैसे भगवान ने आपको जरिया बना दिया। अगर हम इस तरह से सोचें तो हर दिन ही कुछ ना कुछ चमत्कार हो रहा है हम सबके साथ और हमें लगता है कि भगवान क्या कितना सुपर फास्ट ब्रेन है भगवान का, कैसे हर किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, क्या लीला रच देते हैं, किसके माध्यम से किसकी मदद करवा देते हैं, है ना। ऐसे ही शशि जी आपने चलते रहना है, कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, शुभकामनाएं आपको। चलिए नेक्स्ट डिवोटी, गीता जी कितने डिवोटी रह गए हैं हमारे टोटल? एक एक डिवोटी भैया, डिवोटी तो अभी भी थे, बड़े सारे जुड़े हैं, लेकिन अब नेक्स्ट जब हमारी रीडिंग कंप्लीट होगी तो तब या फिर बीच में कभी अगर आपको टाइम लगे तो वो नए डिवोटीज को जरूर आप कंग्रेचुलेट करने के लिए आइएगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब जिस जोश के साथ हमारा सत्संग चलेगा ना, क्योंकि अब आइडियोलॉजीज आएंगी, टैग लाइन्स आएंगी, तो अब बड़ा मजा आने वाला है सत्संग में, आई थिंक, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी आगे स्टैंडर्ड कोर्स जो ये शुरू होगा ना, बाकी श्री हरि जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। तो चलिए हम बिंदु माझी की तरफ चलते हैं। बिंदु माझी, हरि हरि बोल। उसके लिए भी आप सबको बेस्ट विशेस, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी निखिल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे, ना शस्त्र पे, ना ही धन पे, ना किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु आपकी कृपा शक्ति पे। आप निखिल जी आपको मैं नमस्कार करती हूँ, आपको कोटि कोटि नमन है मेरा और आपके पूरे परिवार को मेरा कोटि कोटि नमन है। भगवान ने आपके परिवार में एक एक मोती ऐसे माला में गूंथा है कि जैसे मैं कुछ बता नहीं सकती, मेरे पास वर्डिंग नहीं है। प्रभु ने ऐसे बेटे दिए हैं उस माँ को और उस परिवार में, और बहू भी वैसी दी हैं, इतना अच्छा प्रीति जी समझाते हैं,
भागवत के बारे में और सभी इसी काम में आप लगे हो, आपको प्रभु का कोट प्रभु का बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और मैं बिंदु खुराना 2019 में सुषमा जी के माध्यम से मैं इस गोलक एक्सप्रेस में से के साथ जुड़ी हूँ। और मैंने यहाँ पे तीन बार गीता पूरी की है और मुझे बहुत आनंद आया। सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे सुबह वाले सत्संग पे आता है, 5:30 बजे वाला सत्संग। हम जब सुबह उठते ही हमें प्रभु का नाम मिल जाता है, उससे मन में इतनी शांति प्राप्त होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारा दिन मन गुनगुनाता रहता है और जो भजन गाए जाते हैं उसमें इतना आनंद है, इतनी सुरीली सुरीली आवाजें हैं सबकी। ये सारे भगवान के बनाए हुए मोती एक माला में गुंथ गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं सारे, बहुत ही बढ़िया गाते हैं, बहुत ही बढ़िया। आप और भैया जी बहुत ही अच्छा समझाते हैं सबको और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने जैसे कार्तिक मास में इतने फंक्शन करवाएंगे, फंक्शन थे कि जैसे घरों में फंक्शन होते हैं, वैसे ही ये हमारे घर में फंक्शन हो गए थे। ये बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने दुमोदर अष्टकम के बारे में बताया, ये तो मुझे कभी भी नहीं पता था। और आपने वो दूसरा जो भीषम क्या नाम भीषम आगे नहीं मुझे भूल गई, विषम के बारे में जो बताया ना, 5 दिन के बारे में जो, वो तो उसका तो कमाल हो गया। मैंने कभी नहीं सुना था। और ये गीता हमारी जननी है, ये इन्होंने गीता से हमें जन्म की प्राप्ति हुई है। इन्होंने इतना इसमें धर्म कर्म है, कान्हा जी बताते हैं, कान्हा जी जो बताते हैं अर्जुन को, लेकिन हमारे लिए उन्होंने ये सब बताया है। क्योंकि इंसान जो है ना, वो दुनिया में जो आया है वो एक तरह का बिगड़ा हुआ बच्चा है। जब हमें गीता सुनने को मिलती है, कोई ना कोई धर्म कर्म तो हम करते ही है ना, क्योंकि दिमाग में आ जाता है कि धर्म करना है। धर्म जो है कर्म जो है धर्म से भी ऊंचा है, क्योंकि हम धर्म करेंगे तो हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी और कर्म करेंगे हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। हमें प्रभु जी के साथ जुड़ना है। प्रभु जी खुद ही कहते हैं कि तू सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अगर हम उनकी शरण में पहुंचे तो हमें कोई किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु जी अपने हाथ से पकड़ के अपने धाम में ले जाएंगे। मैं तो यही चाहती हूँ, हे प्रभु तू मुझे अपने धाम में ले जा, जैसे भी ले जा। और आपने दूसरा टैगलाइन जो बनाई है ना, मन मन हर मन मंदिर हर घर मंदिर, मेरा तो सच मैं बताती हूँ, मेरा तो घर मंदिर बन गया, पूरा मंदिर बन गया, जिसमें मेरी माता रानी जी बैठी हैं, मेरे गोपाल जी बैठे हैं और मेरे राधा कृष्णा जी बैठे हैं और राम परिवार जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, मेरे सब बैठे हैं। मुझे वही मंदिर लगता है। मैं कहीं मंदिर में अब नहीं जाती, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक रहती, मैं मंदिर में जाती नहीं कहीं भी, बस घर में ही मत्था टेकती, इसी को ही मैं मंदिर समझती, इसी में मैं बैठ के अपना पूजा पाठ सिमरन सब कुछ कर लेती हूँ। जो मेरे मन को अच्छा लगता है वही मैं मंदिर में बैठ के कर लेती हूँ। मुझे गुरुओं का बहुत सहारा मिला हुआ है। कहते हैं जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, मन काहे को घबराए, मन काहे को घबराए, जब पूर्ण गुरु है मिला तुझे, जब पूर्ण गुरु है मिला तुझे, मन काहे को अकुलाए, मन काहे को अकुलाए, मन काहे को अकुलाए, जब संत सहारा बन जाए, शुभ घड़ी वो निश्चय होगी, दर्शन की प्यास बुझेगी, दर्शन की प्यास बुझेगी, तू
अमुक बिना पिएगा जब हरि कृपा बरसेगी मन मस्त रहे हरि चरणों में मन मस्त रहे हरि चरणों में मत श्री राम बुलावे ना मत श्री राम बुलावे ए जब संत सहारा बन जाए। और निखिल जी आपने जो गीता जयंती के मैं बताया पांच दिन वो फंक्शन करवाया वो भी बहुत बढ़िया था। उससे भी मन को तृप्ति होती थी, मन को शांति मिलती थी। जहां मन को शांति मिल जाए तो वहां मन शुद्ध हो जाता है। मन अगर शुद्ध है तो हम कर्म भी शुद्ध करेंगे। हमें हमेशा चाहिए शुद्ध कर्म करें, अच्छे कर्म करें, फल प्रभु की प्रभु पे रखे। अब प्रभु से फल नहीं मांगे। पहले मैं ऐसे करती थी कि प्रभु मुझे मेरा ये काम हो जाए, हे प्रभु मेरा वो काम हो जाए तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अब जब से मैं इस एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं प्रभु को कहती हूँ जो आपकी इच्छा पे ही मैं निर्भर हूँ। जैसे भी आप करोगे अच्छा करोगे। जैसे भी जब से मैं यहाँ पे यहाँ जुड़ी हूँ मेरे घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया है। पहले जब मुझे मेरे हस्बैंड कहते थे उठा अपना हारमोनियम और मंदिर में चली जा, हर वक्त लगी रहती हारमोनियम पे, तो मुझे थोड़ा महसूस होता। आप कभी नहीं कहते, जैसे मर्जी जो मर्जी गाऊं जाप करूं जैसे मर्जी करूं, तो कुछ नहीं कहते। वो खुद भी जाप करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और अपना स्नान करके वो भी जाप करते हैं। तो हमारा घर वाकई मंदिर बना हुआ है। अब मैं अपने मन को मंदिर बनाना चाहती हूँ कि मेरा मन मंदिर बने। मन मंदिर बनेगा आप जैसे गुरु जी के मुझे दर्शन होंगे। हाथ जोड़ के गुरा जी के वंदना रख ले गरीब जान के, हाथ जोड़ के गुरा दे अगे वंदना रख ले गरीब जान के, हो रख ले गरीब जान के मेरे सच्चे गुरा दे अगे वंदना रख ले गरीब जान के। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू बिंदु जी, आपके बहुत प्यारे भाव हैं और ऐसी आप डिवोशन में बढ़ते रहिए। बड़ा आनंद आया जान के कि आपका घर मंदिर बन गया है और भक्तों के साथ चलते रहिए, मन भी मंदिर बन जाएगा। ये होगा ही होगा, बस हमें चलते रहना है और हमने अपने टाइम को बस वेस्ट नहीं करना है। जब भी थोड़ा सा टाइम मिलो हरि नाम कर लो, कीर्तन कर लो, पुराने सत्संग, अब तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, उसको रिवाइज करने बैठ जाओ तो लगे रहेंगे ना। तो मन का है, मन का स्वभाव क्या है, वो चंचल है ना। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वो दुनियादारी में अगर खोया है लेकिन उसको हम चंचल है तो उसको उठा के भगवान की तरफ लगा सकते हैं। अगर वो अटक जाता है इसका अटका नहीं होता है वो। वैसे मेरे पापा ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि जब उनको डायबिटीज हुई तो पहले चीनी वाली चाय पीने की आदत पड़ गई थी, तो मन का स्वाद था कि चाय क्यों चीनी के बिना तो पी नहीं सकते। तो बोलते जब डॉक्टर ने कह दिया चीनी नहीं ले सकते, तो फिर चीनी जब छोड़ी तो पहले एक आधी बार चाय पी बिना चीनी के तो लगा ये कौन पी सकता है। लेकिन फिर वही एक दो महीने के बाद जब आदत पड़ गई, किसी ने चीनी वाली चाय दे दी तो वो गंदी लगना शुरू हो गई। तो मन था, पहले लग रहा था कि चीनी वाली चाय बहुत स्वाद है, बाद में लगना शुरू हो गया कि चीनी वाली चाय जो है बेकार है। तो जो नव साधक होते हैं बस गड़बड़ क्या हो जाती है कि हमारा मन कुछ अगर कह दे तो उस पर अटकना नहीं जाना चाहिए। हमें सत्संग से सीखी हुई बातों को बुद्धि में धारण करके फिर धीरे धीरे मन को हमने भगवान की तरफ लगाना है। और देखो हम सब पे तो विशेष कृपा हो गई है, बस भक्तों के साथ में रहिए, एक दूसरे की फीलिंग सुनते रहिए। इनफैक्ट ये जो सेलिब्रेशन सत्संग होते हैं इसमें बहुत ज्यादा मन लगता है। अब सब ने मुझे बताना है गीता जी कितना मन भटका आपका 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है, कितना मन भटक रहा भैया। हरी हरी बोल। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे बेटे को कल चोट लगी और उसको स्टिचेस लगे हुए हैं, तो उसके बावजूद भी एक सेकंड के लिए ध्यान उधर नहीं गया और अभी बिल्कुल भी मन बस मगन था। ऐसे लग रहा था ना जैसे कोई फंक्शन नहीं होता, जैसे बिंदु माजी ने बोला, तो बस अब उसी में जो है बस ठाकुर जी के उसमें ही जो है वो ध्यान केंद्रित था भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हम सब पे कृपा क्या हो गई है, राहिल के लिए भी प्रेयर्स करेंगे, बट हम सब पे कृपा क्या हो गई है कि इस तरह का ना डिस्कशन वाला भक्ति का मॉडल नहीं है वर्ल्ड में।
तो बातचीत करना सबको अच्छी लगती है, ह्यूमन नीड होती है ना, हमारी इमोशंस होते हैं, हमें एक फ्रेंड चाहिए होता है, कोई हमारी बात सुन ले। और घर परिवारों में भी कोई दिल खोल के किसी की बात सुनने का किसी के पास समय नहीं है आजकल। एक घर में भी बैठे होंगे लोग, कोई स्मार्ट टीवी पे है, कोई फोन पे है, बेटा माँ से बात नहीं करता, बड़ा फॉर्मल सा डिस्टेंट रिलेशनशिप हो चुके हैं। हम पे विशेष कृपा क्या हो गई है, एक तो सेंटर में भगवान है, दूसरा हम एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर कर पाते हैं। तो जब एक दूसरे की फीलिंग सुनते रहो ना, काउंसलिंग भी हो जाती है, क्योंकि दिल के अंदर बहुत कुछ होता है, और वो भी भगवान से जुड़ी बातें। कहीं शेयर, समाज में तो कलयुग में क्रिटिसिज्म मिलता है, अब हल्का सा भगवान की बात करो क्या, हाँ भाई बड़े बाबा बन गए, समाज तो ये है, कलयुग का माहौल ऐसा है। अब जो भक्त होते हैं वो, उनके अंदर ही बड़ी सारी इच्छाएं होती है, वो बात किससे करें। तो भक्तों का साथ जब मिल जाता है, तो एक दूसरे की बात सुनते ज्ञान जी ज्ञान का आदान प्रदान होता है, भावों का आदान प्रदान होता है, और उसमें कब हम खो जाते हैं और हमारा मन पूरा का पूरा डिवोशन में ग्रो कर जाता है, ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसलिए गोलोक एक्सप्रेस में सेलिब्रेशन सत्संग भी रखे जाते हैं, जिसमें अब जैसे अगर बिंदु जी को प्रेजेंट करना है ना, तो उनका मन नहीं भटक सकता। जैसे अगर आप टीचर हमेशा बोलता रहेगा ना, तो स्टूडेंट का मन भटक सकता है, जी बट अगर टीचर ने स्टूडेंट को बोल दिया कि कल आपको सेमिनार प्रेजेंट करना है, तो सेमिनार जब प्रेजेंट करना पड़ेगा ना स्टूडेंट को, तो उसके हाथ भी कांपेंगे, थोड़ी टेंशन भी होगी, लेकिन उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे से, और उसका दिमाग रहेगा उसके अंदर। तो वैसे भी जब आप गीता जी हितेश जी को भी पढ़ाना होता है, नताशा जी उनको सपोर्ट करते हैं, तो इनका दिमाग लगाना पड़ेगा इनको अलग, ठीक है, सोएंगे नहीं। और फिर दूसरे डिवोटीज भी हैं, उनको भी कभी कभार रिव्यू देने होते हैं, फीलिंग्स हैं, तो उनको भी थोड़ा प्रेशर रहता है। हाँ, और उस चक्कर में क्या हो जाता है, हमारा मन भी जो है भगवान की तरफ आगे लग जाता है। तो बिंदु जी ऐसे ही चलते भी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, शुभकामनाएं, थैंक यू। हरी बोल। हाँ जी किता जी, जी हरी हरी बोल भैया। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपका तो कोटि कोटि आपको नमन भी है, और आपका आभार भी मैं प्रकट करना चाहूंगी कि डिवोटीज जो है वो बहुत मोटिवेट जो है वो खुद को फील कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है वो हम रितेश जी के भजन की तरफ चलेंगे, और साथ साथ जो है वो मैं नताशा जी और पूजा नारायण जी को भी जो है वो बोलना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत साथ दिया इस सत्संग को चलाने के लिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आप सब भक्तों का भी आभार, दाशा जी का और पूजा जी का भी, ऐसे ही मैं बीच में आता रहूंगा। बेस्ट विशेष अगले कोर्स के लिए भी, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मन लगे ना लगे, हमारे संसार में दुख चल रहे हैं सुख चल रहे हैं, हमने अपने सत्संग की डोज नहीं मिस करनी है। सत्संग करते रहोगे फिर साधना भी होगी, सेवा के भाव भी आएंगे, बिहेवियर भी बदलेगा। सत्संग छूट गए, साधना में भी मन नहीं लगेगा, फिर सेवाएं भी छूटती हैं, फिर वही आप जो यहाँ सोचते थे नहीं, तो अब एंगर भी कम हो गया, फिर एंगर भी आएगा, बिहेवियर भी बदल जाता है। तो सत्संग मत छुड़ा कीजिए, सत्संग में चल लगातार चलते रहिए, और बेस्ट विशेष रितेश जी आप सुना सकते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। सो थैंक यू वेरी मच निखिल जी, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं हम, इतना कीमती समय निकाल करके आप हमारे सत्संग में आए, और यही जो है वो सबसे बड़ी हमारे गोलक एक्सप्रेस की खूबी भी है, यूनिकनेस भी है, और इसी के माध्यम से जो है वो डिवोटीज जो है वो अपने भाव प्रकट कर पाते हैं, और बस सब जो है वो एक आनंद का जो है वो अनुभव करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए देखिए, आज निखिल जी आए ना हमारे सत्संग में, तो जितने भी डिपोटीज हैं अभी, वो एक ध्यान में रखिएगा एक बात को, कि मान लीजिए हम लोग अभी फिजिकल सत्संग में बैठे हुए हैं, निखिल जी भी हमारे साथ हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम लोग बैठे हैं, और प्रभु श्री हरि के चरणों में जो है वो भजन गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, सभी की आंखें बंद और बस आनंद लीजिए, साथ साथ में गुनगुनाइए हरी हरि बोल जी। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले, ये डोर जिंदगी की
हवाले मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मेरा ना और कोई, इस जग में आसरा है मुझको तलाश तेरी, नैनों में सांवरा है दर्शन की आरजू है। हरी हरी बोल, ओ प्यारे दर्शन की आरजू है गौएं चराने वाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, दुनिया है मेरी वीरा मझधार में है नैया, आ जाओ मांझी बनकर ओ मेरी नाव के खवैया, दिल में तुम ही बसे हो। हरी हरि बोल, ओ प्यारे दिल में तुम ही बसे हो, दिल को चुराने वाले मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले जन्नत में भेज चाहे, दोजक में भेज दे तू, हम तो तेरे दीवाने एक बार देख ले तू, हमको नहीं है परवाह। हरी हरि बोल, ओ प्यारे हमको नहीं है परवाह, मुरली बजाने वाले मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले कण कण में व्याप्त है तू, कहता है ये जमाना जब मेरी बारी आई करते हो क्यों बहाना, मानूंगा मैं तो तब ही। हरी हरि बोल, ओ प्यारे मानूंगा मैं तो तब ही, आकर गले लगा ले ये डोर जिंदगी की, कृष्णा तेरे हवाले, ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बना वाले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच रितेश जी, आनंद आ जाता है जब भी आप प्यारे प्यारे हमें भजन सुनाते रहते हो। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं इतनी वंडरफुल अचीवमेंट के लिए। कलयुग में घर बैठे बैठे हम सरल भगवद गीता का कोर्स एक बार फिर से कंप्लीट कर पाए। हर एक कोर्स कंप्लीशन मतलब
घर घर मंदिर हर मन मंदिर का सपा जो सपना है वो साकार होता दिख रहा है, उसकी गति बढ़ती जा रही है। गीता ऋषि आप एक प्यारे डिवाइन कपल हो, ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा विनम्रता के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो भी आप सबने प्यार दिया, आदर सत्कार दिया, सच यही है हम में से कोई भी उसका हकदार नहीं है। ये सब प्रभु का प्रेम करने का भक्तों से तरीका होता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये भाव को मेंटेन करते हुए सब कुछ प्रभु श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करके विनम्रता के साथ हम यूं ही एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ के आगे चलते रहे। एक ही मिशन है हमारा सबका, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, हमें समाज को दूर करना है। और अगली बात का जो आपका कोर्स है उसके लिए बेस्ट विशेस। मैं एक बार प्राइवेट बाद में हम जरूर मीटिंग करेंगे इस पॉइंट पे, मे बी अनदर फ्यू डेज। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा तो रूपाली जी करेंगे आप कॉन्टेक्ट। थोड़ा आगे वाला क्या आपने स्टार्ट करना है, उसको कैसे हम उसको और अच्छे से कर सके। पर मेरी सभी डिवोटी से विनती है, एक तो पहले आप सबके भाव सुन के बड़ा आनंद आया, थैंक यू सो मच। आपने अपने झाकों से बाहर निकले, हेजिटेशन से बाहर निकले। आई एम श्योर जब अपने आप वीडियो देखोगे आपको खुद ही इतना आनंद आएगा, अच्छा ये आप हो, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप ये कर पा रहे हो, है ना। क्योंकि भगवान की जो पावर है ना, भक्ति की शक्ति, उससे एक इंसान अपने आप को ही नहीं पहचान पाता, वो इतना आगे बढ़ जाता है ना। और हमें बड़ी खुशी होती है जब देखो हम तो इतने सालों से बात कर रहे हैं, तो जब हम डिवोटीज को सुनते हैं तो हमें ज्यादा खुशी होती है कि देखो सबका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस हम क्या चाहते हैं, सबकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, सब अच्छे से भगवद गीता के टीचर्स बन जाए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान बांटे, चलो कुछ नहीं तो चलो हरिनाम ही सिखा दें किसी को, फ्रेंड को पकड़ के। क्योंकि हम बुरी संगत में गए तो वहां से भी बुरी आदतें, पर ये ड्रग्स डिप्रेशन ये सब होता कहाँ से है, बुरी संगत से ही होता है ना। बट अगर चलते फिरते एक मदर अपनी बेटी को भी सिखा दे, बेटी अपने पापा को सिखा दे, है ना, और एक फ्रेंड को सिखा दे, तो कब समाज बदल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आप सबको बेस्ट विशेस। और गुरु दक्षिणा क्या है गुरु क्रिसमस में, कि आपने रेगुलर सत्संग में रहना है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में सुख आ रहे हैं या दुख आ रहे हैं, कभी मजा आएगा कभी नहीं मजा आएगा, बस चलते रहिए। दिस इज द लीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग, और ये आपको फीस हमारी देनी है, अदरवाइज गोलक एक्सप्रेस एक कॉस्ट फ्री मॉडल है। बट ये फीस हम आप जरूर लेना चाहते हैं कि आप अपनी भलाई के लिए रेगुलर जरूर चलते रहिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं चलोगे, सवारी अपने अपने सामान की खुद जिम्मेवार है भैया, गोलक एक्सप्रेस तो चलता रहता है, अब आप ट्रेन में बैठोगे ही नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लिंक आपके पास आया करेगा, अब गीता जी और रितेश जी आपके घर में नहीं आ सकते कि आप लिंक में ज्वाइन कर जाओ, वो समय आपको बना के रखना है अपना कि भाई थोड़े देर के दुनियादारी के काम रोक सकते हैं, एक घंटे का सत्संग है हम उसको रेगुलरली लगाएं, और उसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। हो सके तो अगली बार जब कोर्स हो रहा है वीडियो कॉल्स पे आके आदत बात बात कीजिए। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए मैं आपके घर आऊँ या गीता जी रितेश जी आपके घर में आए, तो आप दूसरे कमरे में थोड़ी चुप जाओगे, आप सामने बात ही करोगे ना, पूछोगे कैसे हो आप, मैं आपको क्या पिलाऊं क्या खिलाऊं। तो हमारा तो अब घर ही ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है ना, तो वॉइस कॉल मतलब हम एक दूसरे कमरे में छिप गए हैं, वीडियो कॉल मतलब अब आप सोचिए गीता जी रितेश जी अगर मैं आऊं लेकिन मैं वीडियो कॉल पे ना आऊं, मैं वॉइस कॉल पे रहूं, तो आपको वैसा मजा आएगा, आप सबको मजा तो नहीं आएगा ना। तो वैसे अगर सब डिवोटीज अपने अपने अंदर के डरों से जीती है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, आप आओ, ये वैसी बात है जैसे आपके घर में अगर रितेश जी गीता जी आ जाए तो आप उनके सामने आओगे ना, तो वैसे ही यहाँ सत्संग चल रहा है, अपनी आओ सामने और अपनी बात रखो। और ये तो एक नो रिस्क प्लेटफॉर्म है, बिकॉज यहाँ कोई जज नहीं करता है एक दूसरे को, आप जो भी बोल दोगे कोई मत गलत मुंह से, अगर आपके गलत शब्द निकल भी गया, डर यही होता है ना, क्या पता मेरे को तो बात अच्छा करना नहीं आती, मेरा कोई शब्द निकल गया, मैं तो इतना एजुकेटेड भी नहीं हूँ, क्या पता, तो क्या हुआ, क्या पता, पता है आपको, फिर भी आप अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो, हमारे पहले ही बता रहे हैं आपको, ये एक ऐसा एग्जाम दे रहे हो आप गोलोक एक्सप्रेस का जहां पे आपने पास ही होने अच्छे नंबरों से, क्योंकि गीता जी और रितेश जी ने क्या कहना है, वेल डन कीप इट अप। तो थोड़े बहुत अगर वर्ड्स गलत निकल गए तो क्या हो गया, मैं भी इंसान हूं, आज भी गलतियां होती, उसमें कौन सी हैरानी की बात है। बट गलती के डर से क्या है, हमें डब्बू नहीं बने रहने हैं, और आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया जहां आप अच्छे वक्ता बन सकते हो, और जब आप अच्छे वक्ता बन जाओगे आपका कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो लाइफ के एक फील्ड में कॉन्फिडेंस आ गया ना आपको, तो लाइफ के हर एक फील्ड में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सत्संग में कॉन्फिडेंट हो गए तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं हो गए आप। हमने देखा है जब जहां जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आप दुकानदार हो तो दुकान चलाने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मनी मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, घर को मैनेज करने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेरेंटिंग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक स्किल आपके पास आ गई भगवत कृपा से।
तो सब लोग वीडियो कॉल पे आके, बेशक हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में एक बार, दो मिनट तीन मिनट ही सही, बेशक लिख के ही पढ़ लिया करो, इसको मुश्किल लगे थोड़ी लाइनें लिखी, आज हमने सत्संग से ये सीखा। दूसरा, सत्संग में कुछ समझ ना आए, इसमें कोई हैरानी का विषय नहीं है, ना ज्यादा सोचना है उसके बारे में, जो समझ आ गया उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। बिकॉज भगवान की बातें देखिए पूरी तो ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आती, तो मैं और आप किस खेत की मूली है। तो, बट जो समझ आ जाए, इंपॉर्टेंट क्या है साधक के लिए कि जो समझ आ जाए, क्या हमने जीवन में अपने आप को उसको उतारने की कोशिश की। सूत्र ये नहीं है कि हम जो पा लिया उसको वैल्यू ना करके कुछ और पाने के चक्कर में पड़ जाएं। आगे बढ़ने का सूत्र क्या है, एक सत्संग से एक अच्छी बात सीख ली आपने, ठीक है, बस उसपे मनन करना शुरू कर दो, राइट। ये मत कंपेयर करो, ओ रितेश जी को ज्यादा पता है, गीता जी को ज्यादा पता है, वो तो ज्यादा अच्छा मेरे से बात करती, फिर आप सत्संग में भी आके दुनियादारी में फंसे रहोगे। वो दुनियादारी है, हमारी यहाँ किसी के साथ होड़ नहीं लगी हुई है, सब यूनिक सोल्स हैं, भगवान सभी को प्रेम करते हैं, सबके पिछले जन्मों के करोड़ों जन्मों के खाते अलग है, और हम सभी में अवगुणों की खान है, मैं सबसे बड़ा अवगुणों की खान हूं। तो ना तो एक दूसरे के अवगुण देखने हैं हमने, दूसरा हम जहां हैं हम क्या वहां से आगे बढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या मिलेगा आपको गीता जी रितेश जी, क्या आंसर मिलता है फिर, क्या हम जहां थे वहां से आगे आ गए हैं भगवत कृपा से, या नहीं आ गए भगवान आगे बढ़ रहे हैं डे बाय डे, जो है कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है और चलते फिरते प्रचार और प्रसार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या मान लीजिए आप चार साल से आप चल रहे हो, फिर भी ऐसे दिन आ सकते हैं जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी, आपका मन ये फीलिंग क्रिएट कर देगा कि आप बेकार हो, कुछ नहीं कर पाए, डिजास्टर हो आप, मन का काम है क्या? ऐसा भी हो जाता है जैसे इसी बीच में कि कभी लगता है यार कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बदला, हो जाता है इंसान के साथ? जी जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी, और बहुत बार होता है, मगर प्रभुशेर की श्रीहरि की कृपा है, जब हम लोग नाम जाप करते हैं, प्रभुशेर की शरण ग्रहण करते हैं, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है इमीडिएटली। तो ये आएंगे तरंगे, सबको आ सकती है, जरूरी नहीं है हर दिन आपको अच्छा ही लगेगा, देयर वुड बी डेज जब आप डाउट भी करना शुरू कर दोगे, मैं सच में इंप्रूव हुआ भी हूं या नहीं हुआ हूं, बट हमने इतना सोचना ही नहीं है। देखो भगवान का रास्ता ही किसी को कलयुग को मिल जाए, घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल जाए, रोज सत्संग सुनने को मिल जाए, क्या इससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई कलयुग में हो सकता है? क्या इससे ज्यादा विशेष कृपा किसी पे हो सकती है? इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। तो है तो भाई हम सब करोड़ों जन्मों से फंसे हैं, है तो माया की जीवी ना, कई बार रजस आ जाता है, कई बार तमस आ जाता है, कई बार भटकेंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई ज्यादा विचलित होकर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, बचपन से सुना है हमने, गलत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, लगे रहो, आज गिरे हैं तो क्या हुआ, दोबारा उठेंगे, दोबारा उठेंगे, दोबारा प्रयास करेंगे, चलते रहना है। सब लोग छोटा छोटा प्रयास कीजिए, वीडियो कॉल्स पे आके रिव्यूज दीजिए, बेशक दो तीन मिनट बात कीजिए, एक साल के अंदर आपकी पर्सनैलिटी इतनी बदल जाएगी, आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा आप वही वाले पर्सन हो जो हुआ करते थे। और मैं सभी कोलोकियंस के लिए जिस पर्टिकुलर ग्रुप में है, मैं आज की अपनी आठ माला डेडिकेट करता हूँ आप सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, ये मेरा आपका नव वर्ष का गिफ्ट भी आप सबके लिए है ना, तो इसको एंजॉय कीजिए, और बस एक ही मेरी प्रार्थना है कि चलते रहिए, चलते रहिए, और अपने दुख दर्दों को भूल के ईश्वर की सेवा को, जगत कल्याण को लक्ष्य बनाइए, क्योंकि जितना हम जगत कल्याण ईश्वर सेवा के भाव में खो जाते हैं ना, फिर हमें लगता है यार हमारी तो प्रॉब्लम बहुत छोटी बातें हैं, संसार में देखो लोगों के साथ कितना कुछ हो रहा है। जब हम दूसरों की आंसू पहुंचने के अंदर व्यस्त हो जाएंगे ना, और वो सबसे आसान तरीका क्या है, भगवत ज्ञान बांटने से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता, बिकॉज भगवत ज्ञान ने बांट दिया तो लोगों को जो रोने की आदत है संसार को लेके, कब वो रोने की आदत, भगवान के प्रेम में रोने की आदत बदल जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा, तो आंसू भी निकले लेकिन प्रभु के प्रेम के निकले, कब वो प्रेरक बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अदरवाइज संसार में आप किसी को कुछ भी दे दो, रोटी भी दे दो, कपड़ा भी दे दो, मकान भी दे दो, फिर भी जब तक उसको प्रभु का कनेक्शन नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, वो मन से अशांत रहता है, अस्थिर रहता है, उसकी बुरी आदतें खत्म नहीं होती, वो कला क्लेश में फंसता ही फंसता है वो इंडिविजुअल। लेकिन अगर भगवत ज्ञान मिल जाए किसी को, फिर वो कंप्लीट फील करता है वो पर्सन, है ना। तो हम सब का ये रोल है, भगवान ने हम सबको चुना है, खाली गीता जी और रितेश जी को नहीं चुना है, नताशा जी को भी चुना है, बिंदु जी को भी चुना है, राधा रानी जी को भी चुना है, रजनी जी को भी चुना है, जितने भी को लोग आहना जी को भी चुना है, सब लोग सोचो कि हम प्रभु के सेवक हैं और हमारा काम है प्रभु की सेवा करना, फिर झाड़ू भी लगाओ घर में तो ये सोच के लगाओ कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं,
बेटे को बड़ा कर रहे हो, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। पेशेंट का इलाज करो, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। आपको लगता है मैं गोलोक एक्सप्रेस के लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी हर एक सेवा को अच्छे से करो तो आप समझो कि आप गोलोक एक्सप्रेस की भी सेवा कर रहे हो, बिकॉज आप अच्छे आदर्श बन जाओगे। समाज में आज अच्छे आदर्शों की ही तो कमी है भाई। समाज में नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग हैं, बड़े कम लोग हैं जो सिद्धांतों पे, भागवत गीता के प्रिंसिपल्स पे जीवन जीते हैं। अगर आप भागवत गीता के प्रिंसिपल्स पे जीवन जियोगे तो आप चलते फिरते प्रचारक बनोगे ही बनोगे। विचार आचार प्रचार के सिद्धांत को समझ के आगे बढ़ते रहिए और इस असीम कृपा का भरपूर आनंद लीजिए और भरपूर आनंद बांटिए। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं। सब लोग अनम्यूट करके वीडियो कॉल पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।